लाइक एग्रीकल्चर, इंपोर्ट इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री वगैरह। तो इसमें डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसके लिए हमने गुलाम सपा साहब के साथ कोलेबोरेट किया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के हम ना सिर्फ ये सर्विसेज ऑफर करेंगे इंडस्ट्री में, बल्कि इन सर्विसेज के अगेंस्ट ट्रेनिंग्स जो हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी हम ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे। तो ये आज वाला जो हमारा सेशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ये तमाम की तमाम एफर्ट फिलहाल गुलाम मुस्तफा साहब की अपनी है, बट इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे करेंगे। वी आर प्लानिंग डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस इन पावर बीआई, एक्सेल और जो डाटा एनालिटिक्स के कुछ और टूल्स हैं लाइक स्टेटा है, आर टूल है और इस तरह की चीज़ें। सो इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर गुलाम मुस्तफा फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। चले जी, आप मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आप सब लोग वैसे तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन इफ़ आई एक्सप्लेन, मैं आई एम बेसिकली केमिकल इंजीनियर। आई डिड माई केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रूरकी लाहौर इन 2012। देन आई वर्क अराउंड 5 years इन लॉटे केमिकल पाकिस्तान इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन आई स्टार्टेड MBA फ्रॉम IBA कराची। इट वॉज द गुड एक्सपीरियंस इन लॉटे एंड IBA, बट ड्यू टू सम inevitable reasons I left Lotte and moved back to Lahore in 2018. Since then, I'm working in the data analytics field, and I pursue my MBA from IBA Karachi. And to pursue my career in data analytics field, I joined Surveyed in start of the January. जो इमरान साहब इस वक्त बैठे हैं, ये मेरे मैनेजर रह चुके हैं वहाँ पे। तो उसके बाद right now I'm working in Confis, which is the, you can say, the top software house in Pakistan. And alhamdulillah, agar main dekhu to data analytics platform se kafi sari trainings hum karwa chuke hain. We are working in USA, Australia, Qatar, Canada, UAE, Saudi Arabia and Pakistan, and different organizations in Pakistan like Angro Fertilizer, Lotte Chemical Pakistan, UET, Punjab University, Sharif Medical College, and even Surveyed as well. I have left the Surveyed, lekin abhi bhi meri unke sath collaboration chalti rehti hai different assignments pe. So thank you very much. Aur aaj ke session ke bare mein to main bataunga, lekin main isse pehle chahunga ki aap sab log apne bare mein bataye, to apne bare mein thoda sa explain kare, and then what is your education, where are you working at the moment, what is your skill set, एक्सपेक्टेशंस इन स्कूल से लेकर, ये सारी चीजें अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि हम सेम पेज पे चल सकें। स्टार्ट फ्रॉम माय उस्ताद, माय मोहसिन इमरान सलीम साहब। यस अस्सलाम वालेकुम। इमरान सलीम, जैसा कि मुस्तफा ने भी एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे साथ काम करते रहे सर्वेड में, IT MIS को मैं हेड कर रहा हूँ, और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और एनालिटिक्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। सारी बात, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी आती रहती हैं, और रिटेल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसकी एक डिमांड है। तो मैं खुद भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाह रहा हूँ, तो ये तो एक्सपर्ट है, जारी बात है, हमें तो थोड़ा सा एक सुपरफिशियल सा एक नॉलेज होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कभी भी आपके इस तरह के कोई सेशन हों तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आई वुड लाइक टू ज्वाइन एंड लर्न। थैंक यू जी। जी दानियल भाई, आप बताइएगा सर अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जी प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन से की फील्ड से ताल्लुक है, और been 5 years different industry ke sectors ke andar main kaam kar chuka hu, manufacturing se related, aur isme data ka I think kisi bhi field mein chale jaye to it has become very relevant, aur iske alawa jo apart from my work commitment hai e-commerce ke andar bhi, aur thoda sa zara loud bolenge, aapki awaaz kam aa rahi hai। जी हेलो, हाँ जी गुलाम मुस्तफा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है, थोड़ी ज़रा ऊंची बोलिएगा। जी जी जी, अच्छा मैं ये बता रहा था कि प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन से मेरा प्राइमरी जो है, आप समझ लें मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। मैंने क्वीन मेरी लंदन से अपना मास्टर्स किया, और उसके बाद ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में मैं डिफरेंट इनडायरेक्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सप्लाई प्लानिंग,
ये सारी चीजें देख रहा हूँ. अभी करंटली मैं पैकेजेस में जो उनका सप्लाई प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसको मैं लीड कर रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छी मीनिंगफुल KPIs को ड्राइव करने के लिए, और आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पता चल जाते हैं. तो होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू माई नॉलेज एंड एज वेल एज पीपल अराउंड. थैंक यू सो मच जी सर. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर नियाज है. मैंने मास्टर्स किया हुआ है हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से 2015 में. उसके बाद मैंने इंटरलोप को ज्वाइन किया था एज एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट. वहाँ पे जो बेसिकली मेरा रोल था वो था मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के हवाले से. तो वहाँ पे मैंने जॉब की है 2015 से 2021 तक, अप्रैल तक. उसके बाद मैंने जो है वो मेरिडियन ग्लोबल को ज्वाइन किया एज अ PPC लीड. वहाँ पे जो है मेरा रोल वो बेसिकली है प्रोडक्शन प्लानिंग और डिमांड सप्लाई जो है उसको रेगुलेट करने के लिए. तो अभी जो है वो वहीं पे मैं जॉब कर रही हूँ. जी आमिर साहब आप अपना कीजिएगा, यहीं से आपकी आवाज आ रही है. मैं ये आमिर और आई एम बेसिकली सेल्स मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी एंड वी आर डीलिंग इन फार्मास्यूटिकल मटेरियल बेसिकली. मेरा जो वहाँ पे रोल है ये मार्केटिंग मैनेजर के तमाम टीम को मार्केट के हवाले से ऊपर में लाने के लिए डीप करना पड़ता है ताकि मार्केट में जाने से पहले आप कंप्लीट हो जाए. हवाले से डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कमांड का साथ कंसल्ट किया है. मैंने कोई एक बार तरीके से ट्रेनिंग दी गई थैंक यू सो मच जी. चलें जी अब हम अपने कोर्स की तरफ बात करते हैं. तो अब पावर BI की हम बात करें या डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए ना, याद रखिएगा वी आर नॉट मूविंग अराउंड द पावर BI एट द मोमेंट, बट द कॉन्सेप्ट इज के भाई व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग. तो उसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार डेटा एनालिटिक्स जैसे इमरान साहब बता रहे थे और रिटेल में तो एनालिटिक्स के बिना रिटेल चल ही नहीं सकता. इमरान साहब इस बात पर सेकंड भी करेंगे. और आजकल जैसे ई कॉमर्स बिजनेसेस आ गए हैं, आप पैकेजेस में अगर आप ग्रोसरी स्टोर ओन कर रहे हैं, ऑनलाइन जैसे ग्रोसर ऐप आ गया, एयरलिफ्ट भी काम कर रहा है, दराज है, और इवन आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए भी मशीन लर्निंग के मॉडल चल रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स चल रही है. इस शहर जिस इंडस्ट्री की बात करी है मेरिडियन की, ये कैनेडियन फर्म है, मैंने इनके लिए भी काम किया हुआ है. ये लोग क्या करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में इनके चल रहे हैं, बेसिकली इनकी फैक्ट्रीज हैं और इनके जो हेड ऑफिस है कैनेडा में है, वहाँ से बैठ के ये लोग सारा मैनेज कर रहे होते हैं थ्रू पावर BI. आज हम बात करेंगे कि भाई एडवांस पावर BI ट्रेनिंग में हम करते क्या हैं और उसमें किस तरह चलेंगे. तो इसका अगर मैं रोड मैप दिखाऊं, मेरी स्क्रीन शेयर है ना आप सब लोगों के साथ? यस शेयर है. जी बेहतरीन है. तो मैं आपको बता रहा था कि आज हम बात करेंगे कि भाई ये पावर BI का रोड मैप क्या होता है डेटा एनालिटिक्स का. तो जो डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप होता है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने डेटा गेट करना है इनटू पावर BI. डेटा कनेक्टिविटी, डेटा गेट करना पावर BI, ये हमेशा इसका पहला स्टेप होता है. अब द क्वेश्चन अराइज डेटा क्या होता है. अब बात आई ना डेटा गेट करना जी पावर BI में, तो डेटा क्या चीज़ है मुझे आप बताओ कि सर डेटा क्या चीज़ होती है, व्हाट इज डेटा. डेटा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक मतलब किसी भी हवाले से किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास टोटली होती है ओवरऑल जो रॉ इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा कह सकते हैं. एग्जैक्टली. अब उस इंफॉर्मेशन को हमने फैक्ट्स में कन्वर्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन से हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स. अब सबसे पहले जब आप डेटा गेट करोगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा की टाइप्स कितनी होती है. तो मेजरली हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास डेटा है तो यू शुड नो कि भाई देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज क्वालिटेटिव, सेकेंड इज क्वान्टिटेटिव. एंड द नेम सजेस्ट के क्वालिटेटिव मीन्स द डेटा दैट कंटेन्स टेक्स्ट, मीन्स वेयर यू कैन नॉट अप्लाई द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक मीन, मीडियन, मोड, सम, मिनिमम, एवरेज.
अब जैसे आपका नेम है दानियल, मैं दानियल को और इमरान सलीम को जमा नहीं कर सकता, तो ये मेरा क्वालिटेटिव डेटा है। लाइकवाइज मैं को मेरे पास लैपटॉप है और कंप्यूटर है, तो मैं कंप्यूटर और लैपटॉप को जमा नहीं कर सकता, ये मेरा क्वालिटेटिव डेटा है। और दूसरी साइड पे जो सेकंड आई जस्ट टोल्ड यू द सेकंड टाइप, दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशन में मीन कर सकते हैं, मीडियन है, सम है, एवरेज है। अब अफरीदी ने अगर 50 मैचेस में स्कोर किया है तो वो एक क्वांटिटेटिव डेटा है, हम उसमें एवरेज भी निकाल सकते हैं, किस मैच में ज्यादा स्कोर किया, मैक्स हो गया, किस में कम किया, मिन हो गया, अब इसका मीडियन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, विच वन इज मोर रिलायबल इन टर्म्स ऑफ स्कोर, अफरीदी और बाबर आजम, तो ये सब क्वान्टिटेटिव डेटा के टाइप में आती है। अब क्वालिटेटिव की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, वन इज ऑर्डिनल, सेकेंड इज नॉमिनल। अब मैं जैसे आप लोगों से पूछूं ऑर्डिनल और नॉमिनल में क्या फर्क है, एनीवन नोज अबाउट दिस? दानियल आप बताओगे? दानियल बड़ा अच्छा हो गया पढ़े हुए, आप ही बता दो, कोई मसला नहीं है। ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, अच्छा एक मिनट गुलाम उस्ताद मुझे बताइएगा, ये स्लाइड्स आप शेयर कर रहे हो कि मैं सर ये नोट्स हम किस तरह से लें इसके? जी ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, बल्कि अभी कर दूं ताकि आप, हां अभी कर दें तो मैं इसके ऊपर नोट्स बनाता जाऊंगा, मेरे लिए मैं नॉर्मली इसी तरह, ये मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको अभी भेज देता हूं, ये मुझसे शायद मिस्टेक होगी, मैंने आपको उस टाइम बट, हां मैं वही कह रहा था पैक अप अगर शेयर कर दूं तो वो ज्यादा आसान होगा नोट्स बनाना, मैं अभी कर देता हूं, सॉरी यार ये मेरी साइड से मिस्टेक, मैं भूल गया, चलो नो प्रॉब्लम, मैं इसकी पीपीटी शेयर करता हूं ताकि आप वहीं पे नोट्स बना सको, इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। जी जी वो तो दैट वुड बी बेस्ट। हाँ इवन इसका फायदा ये होगा कि मैं पीपीटी पे ये भी काम कर लेता हूँ, ताकि जो पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उस पे नोट्स अगर कुछ ऐड होम करेंगे तो हमको नोट्स भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं। जबरदस्त स्क्रीन नजर आ रही है, जो पावर पॉइंट स्लाइड है। जी जी आ रही है। जी तो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा था, ये वाली। There are two major types of data, qualitative and quantitative. Qualitative means name, gender, qualification, designation. मतलब आप बताएं कि भाई मैं कहूँ एक कंपनी का सीईओ है, ऑन दी अदर साइड एक कंपनी का प्लांट मैनेजर है, और एक कंपनी का आईटी हेड है, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव डेटा, मैं इन दोनों को जमा माइनस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। व्हाइल ऑन द अदर साइड सेल्स वैल्यू है, वेट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव की हम सब कैटेगराइजेशन करें तो उसमें दो कैटेगराइजेशन होती है, वन इज नॉमिनल, सेकेंड इज ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब होता है कि जो बेसिक लीस्ट फॉर्म ऑफ कैटेगराइजेशन जिसमें हम कर सकते हैं। याद रखिएगा एनालिटिक्स हमेशा शुरू ही कैटेगराइजेशन से होती है। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि डेटा तो आ गया मेरे पास, भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी कितनी ट्रांजेक्शन सुबह हुई थी, शाम को हुई थी, रात को हुई थी, कितनी ट्रांजेक्शन जेंडर वाइज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, इसका वेट क्या था, बास्केट साइज, बास्केट वैल्यू, एवरेज ट्रांजेक्शन क्या है, मैक्सिमम क्या थी, मतलब वो जितने भी मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ ना थ्रू सम वेरिएबल्स हैं। तो नॉमिनल का मतलब होता है लीस्ट कैटेगराइजेशन, मतलब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। नेम की बात करते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी, मैं ये नहीं कह सकता कि दानियल इज बेटर देन सहर नियाज, व्हाई? क्योंकि दोनों सिंपल कैटेगरी है, इसमें कोई मैंने डिफाइन नहीं की लॉजिक। हाँ अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा भाई दानियल हैज मोर एक्सपीरियंस देन सहर नियाज, तो वो एक हायरार्की बन सकती है। लाइकवाइज अगर मैं कहूँ एक कंपनी का सीईओ है, आपको पता है ये क्वालिटेटिव डेटा ये टॉप में आ जाएगा, और जो क्वांटिटेटिव है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आप मतलब कि अगर प्लांट मैनेजर है तो वो हायरार्की में डाउन आ जाएगा। नॉमिनल का मतलब ये है कि जिसमें हम कोई हायरार्की डिफाइन नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि डेट इज बेटर और डेट इज बेटर एक्सेट्रा। ऑर्डिनल में मैं एक ऑर्डर डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब मैंने अगर मैट्रिक किया हुआ है, इमरान साहब ने अगर एमएससी की हुई है, दानियल ने पीएचडी की हुई है, तो मैं आराम से डिफाइन कर सकता हूँ कि पीएचडी विल बी गेट द नंबर वन इन रैंक, and MSc will get 2 or matriculation will get 3 and etc. Likewise quantitative variables wo variables hain jisme maine aapko bataya tha ki we can do some arithmetic operations. ab continuous ki baat karte hain, main puchu agar daniel aapka weight kitna hai,
हेलो जी जी हेलो आवाज आ रही है हेलो 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 दानियल आवाज आ रही है आपको मेरी जी जी आ रही है मैं कह रहा था आपका वेट कितना है 75 मैं अगर कोई ये 75.01 है इट विल बी रॉन्ग 75.01 यस ये गलत होगा 75.01 वो आप सिर्फ उसको फर्दर कह देते हैं मेरे ख्याल से उसके अदर डेसिमल प्लेसेस भी बता रहे हैं मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा वेरिएबल जिसको आप डिफाइन कर सके फर्दर डेसिमल प्लेसेस में जैसे वेट है टाइम है हाइट है इनके उनको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऑन दी अदर साइड मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी क्लास में इस वक्त 6.3 स्टूडेंट्स हैं चाहे ये बात कर सकता हूँ मैं नहीं कह सकते तो ये हमें पता होना चाहिए जब भी डेटा आएगा वी शुड नो वेदर इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इफ इट इज क्वालिटेटिव इट गोज टू द नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल If it is quantitative, we can define it as a continuous or discrete variables. अब नीचे कुछ मिसालें दी हुई हैं मैंने पहली मिसाल इमरान साहब से पूछ लेते हैं इमरान साहब बस आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ मैं मुझे पता है आपको ये आंसर आता है ये जो पहला हाइट ऑफ स्टूडेंट है ये नॉमिनल होगा ऑर्डिनल होगा कंटिन्यूस होगा डिस्क्रीट होगा पहला मेरे ख्याल से ऑर्डिनल होगा सर ये ऑर्डिनल किस तरह होगा सर मैं बताऊं ये जी पहला ये पहला ये जो कंटीन्यूअस ये अच्छा कंटीन्यूअस कौन आप सॉरी यहां से देख रहे होंगे इमरान साहब ये देख रहे थे क्वालिफिकेशन लेवल की मैं बात करूं तो मैं डिफाइन करूं तो ये ऑर्डिनल होगा अब ये मैं बात करता हूं बिल्लियों की जो रंग है कलर ऑफ एन आई मतलब के इस बिल्ली का रंग लाल है इसका नीला है ये शहर ये कौन सा होगा ऑर्डिनल होगा नॉमिनल होगा ये डिस्क्रीट है डिस्क्रीट है नंबर ऑफ कैट्स मैं बात कर रहा हूँ कलर ऑफ कैट कलर हाँ ये नॉमिनल है नॉमिनल है और ये मैं बात करूँ नंबर ऑफ लैपटॉप्स डिस्क्रीट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रीट है आपको एक आइडिया मिल गया ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया होता है अब हम आते हैं रोड मैप की बात हम कर रहे थे तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा आप चाहे एक्सेल यूज करो पावर भी यूज करो इवन कागजों पर हिसाब किताब करो जो स्टैट्स की जो टर्म्स होती है ना वही आज तक चल रही है पहला काम हमेशा होता है आप डेटा गेट करते हो जब भी आप डेटा गेट करोगे ना तो अगर आपने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की तो अल्टीमेटली यू विल मूव इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन मतलब आप कोई एनालिटिक्स अप्लाई नहीं कर सकोगे तो जब आप डेटा गेट करोगे तो आपको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती हैं क्यों क्योंकि एनालिटिक्स हो ही नहीं सकती विदाउट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है मिसाल ले लें मैंने एक डेटा गेट किया उसमें शहर न्याज का नेम आ रहा था कभी शहर न्याज में दो स्पेस आ रही थी कभी एक स्पेस आ रही थी न्याज में कभी एन आई ए जेड था कभी एन आई डबल ए जेड आ रहा था तो ये जितने नेम सेपरेट हो जाएंगे ना मेरे एनालिटिक्स में ये लैदा लैदा बिजनेस एंटिटी बन जाएगी आई नीड टू कंबाइन दैम इन अ सिंगल नेम सो डैट आई कैन डू एनालिटिक्स ऑन शहर न्याज सेल्स और शहर न्याज एजुकेशन एक्सेट्रा तो मुझे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है फिर इसमें पावर बी आई में हम करते हैं डेटा मॉडलिंग ये मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको और फिर हम देखते हैं कि डेटा मॉडल्स करने के बाद जिसमें हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं डिफरेंट डेटा के साथ फिर हम क्या करते हैं मैयस बनाते हैं मैयस का मतलब क्या होता है कि हम अपनी एडवांस्ड एंड कस्टमाइज्ड कैलकुलेशंस करते हैं एज पर आवर कंपनी रिक्वायरमेंट भाई लेट्स से मुझे आपकी कंपनी कहती है पैकेजेस वाले कहते हैं कि यार मुझे कंपेयर करना है आज की सेल्स को पिछले साल की सितंबर की सेल्स के साथ तो मैं मैयर बनाऊंगा एक हो सकता है दानियल के नहीं यार मुझे आज की सेल्स को कंपेयर करना है 3 महीने की पुरानी सेल्स के साथ तो मुझे नया मैयर बनाना पड़ेगा हो सकता है शहर मुझे कह रही है मुझे आज की सेल्स को कंपेयर करना है कल की सेल्स के साथ तो मुझे नया मैयर बनाना पड़ेगा हो सकता है मुझे दानियल कह रहा हो कि यार मुझे आज में मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाई थी प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी मुझे ये कंपेयर करना है कि प्रोडक्ट ए बी से कितनी ज़्यादा बनाई है तो मुझे नया मैयर बनाना पड़ेगा ये सारे के सारे यहाँ पे बनते हैं मैयर्स
जब मैं ये सारा काम कर लेता हूँ तो मतलब मैंने अपना डेटा रेडी कर लिया, अब मैं अपनी रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाना शुरू करता हूँ। याद रखिएगा, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो पास्ट में हो गया, मैं इस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे हार्नेस कर रहा है डिसीजन मेकिंग करने में। अब जैसे जितने एनालिटिक्स की बातें हम करें, भाई कितने पिछले साल सेल कितने की, सर्वे मुझे कहता है भाई पिछले साल मैंने बताओ क्या किया, पिछले साल मैंने ग्रोथ की नहीं की, किस स्टोर में मैंने क्या बेचा, ये सारा कुछ डैशबोर्ड्स बन गए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया। अब बात आएगी, मुझे सर्वेट वाले कह सकते हैं, दानियल कह सकता है, आमिर साहब कह सकते हैं कि यार मुझे बताओ मैं फ्यूचर में क्या करूं। मतलब मैं अगर सर्वेट की बात करूं तो मुझसे पूछेंगे, मुझसे मुझे बताओ मैं पैंपर्स की कितनी डिमांड जनरेट करूं अगले साल के लिए। मुझे दानियल कहेगा यार मैं एनपीए यूज करता हूं, आरफिन से खरीदता हूं, तो दानियल मुझे जीएम मुझे बताओ मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि आज एनपीए की प्राइस कम है तो जब मैं एक साल की बाइंग कर लूं तो वो मैं एनालिटिक्स करना शुरू कर दूंगा। फिर आप चाहोगे कि यार ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, सारा प्रोसेस इसको ऑटोमेट करने के लिए फिर हम इसको पब्लिश कर देते हैं पावर बीआई एज अ सर्विस, जो ऑनलाइन देखते हैं आप डैशबोर्ड्स। शहर बहुत ज्यादा यूज करती है ऑनलाइन डैशबोर्ड्स, शहर को ये चीज आती है, मतलब कि ये डैशबोर्ड हमने बनाए, डेटा आया, डैशबोर्ड मैंने क्लीन किया, डेटा मॉडल्स बने, मेजर्स लगाए, डैशबोर्ड्स बन गया, एनालिटिक्स हो गई, फिर आपने उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने का मतलब है कि आप मोबाइल पे इसको देख सकते हैं, वेब बेस्ड इसको देख सकते हैं, जहां बैठे आप इसको लॉगिन करें, इसको यूज करना शुरू कर दें, दैट्स इट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दानियल आपका कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। जी जी पूछें। ये आपने कहा कि हम जब डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बनाते हैं तो इसमें हम जो हमारे पास हिस्ट्री होती है उसको शो कर रहे होते हैं, तो क्या फ्यूचर के लिए हम फिर इसको यूज नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ये देखें, ये डैशबोर्ड्स की बात की, एनालाइज योर डेटा। एनालिटिक्स में आप पास्ट की बात भी करते हैं, आप फ्यूचर की बात भी करते हैं। एनालिटिक्स में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मींस यू आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मींस यू आर प्रेडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर। अब जैसे आप एक प्लानिंग कंट्रोलर हो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कितनी प्रोडक्ट बनाऊं, जैसे मिसाल मैं दे रहा था कि भाई नेक्स्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करूं, कौन सी प्रोडक्ट कितनी बाय करूं, कितनी बनाऊं, एनपीए कितना खरीदूं, तो ये सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज के बाद। ओके आगे चले। जी जी आगे चलते हैं। अब सबसे पहला काम आता है कि भाई डेटा गेट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये क्या हो सकता है, ये पहले दो स्टेप्स अभी हम कवर करेंगे, और आज और कल सेशन में हम ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा से पहले मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप सब लोगों से, आपको आइडिया होगा। एक सेकेंड चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो रही है बाद में। जी हम इसको बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं ना, अगर करना चाहें तो। जी जी बॉस, मैं आपको इसीलिए रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू। मैं बात करता हूँ, सबसे पहला आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आप इंटरव्यूज में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भाई आपको एक्सेल आता है, वेयर यू आर गोइंग टू द पावर बीआई। ये एक कुछ पेट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। याद रखिएगा, जो पावर बीआई और एक्सेल में फर्क ये है दोस्तों, सबसे पहली तो बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ऑटोमेट करने में हिंडर करता है, पावर बीआई नहीं करता। हिंडर करने का मतलब यह है कि भाई आप कहते हो कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे डैशबोर्ड्स पब्लिश हो जाए, मैं ये कर दूं, तो वो एक्सेल पे उस लेवल तक नहीं हो सकते, पावर बीआई में हर लेवल तक हो सकते हैं। फिर आप कहते हो कि जीएम आपने, मतलब मैं अगर सर्वेट की मिसाल दूं, इमरान साहब मुझे कहते थे कि मुस्तफा यार ये एनालिटिक्स कर दो, ये डैशबोर्ड बना दो, मैं बना लेता था। अब वो डैशबोर्ड मैंने शेयर करना है सप्लाई चेन वालों के साथ, मैंने शेयर करना है ब्रांड मैनेजर्स के साथ, तो मुझे कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अब कोलैबोरेट के लिए मैं वो फाइल उनको भेजूंगा, या इवन अगर शेयर पॉइंट पे भी फाइल रख दूं, तो वो कोलैबोरेशन उस लेवल की नहीं हो पा रही। मतलब हो सकता है कि भाई मुझे ये कहा जाए कि भाई जो सप्लाई चेन वाला है वो सिर्फ सप्लाई चेन का डेटा देखेगा, और जो प्लानिंग वाला है वो प्लानिंग का डेटा देखेगा, जो ब्रांड मैनेजर है वो सिर्फ ब्रांड मैनेजर्स का डेटा देखेंगे, मतलब उस रीजन का डेटा देखेंगे, लाहौर वाले लाहौर का डेटा देखेंगे, कराची वाले कराची का डेटा देखेंगे, तो यार मुझे एक सिक्योरिटीज लगानी पड़ जाएंगी, तो मैं एक्सेल पे नहीं कर सकता, पावर बीआई पे बड़े अच्छे लेवल पे कर सकता हूँ। दो चीजें बताई मैंने, लिख लीजिएगा साथ साथ, एक ऑटोमेट करना
दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, और तीसरा मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग एक्सेल पे काम करते हैं, मैं दानियल से पूछूंगा। दानियल मैं आप क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछूंगा, माइंड नहीं करना। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, पूछें। अच्छा मुझे बताएं, एक्सेल पे अगर आपने 5-6 शीटें मर्ज करनी है तो आप क्या करोगे? 5-6 शीटें मर्ज करनी है, मैं समझा नहीं। एक ही में मतलब एक शीट है मेरे पास सेल्स की, अब उसमें मुझे डेटा चाहिए फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। ये भी हो सकता है कि मेरे पास सेल्स का डेटा मैंने कंबाइन करना है, लाहौर का, फैसलाबाद का, कराची का, मुल्तान का, डिफरेंट रीजन्स का मैंने सारा डेटा कंबाइन करना है, तो क्या करोगे आप? नहीं, आपने उसको एक ही शीट पे लेके आना है या एक फाइल में लेके आना है? एक शीट में लेके आना मैंने। या मुझे तो कॉपी पेस्ट ही आता है ऑनेस्टली। अगर तो आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। जी आमिर भाई, और डेटा एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हो सकती है जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ज्यादा शीट को। उसकी वजह यह है दोस्तों, आप जो बात करें आमिर भाई वो बात करें एडवांस, जो अभी मैंने सिखाना है आपको। एक इसका टूल होता है सिंपल वी लुकअप, हम वी लुकअप करके डिफरेंट शीट्स में से डेटा उठा लेते हैं, अपनी मर्जी के कॉलम उठा लेते हैं। जी मैं एक्चुअली समझ नहीं सका आपका सवाल। वी लुकअप तो काफी डेली बेसिस पे यूज हो रहा था, अगर उसके अंदर आप एक कोई चीज यूज कर लें, एक कॉमन उसके अंदर एक कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लें तो उसके थ्रू फिर आप उठा सकते हो। एग्जैक्टली मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको चीज नहीं आती, सिर्फ मैं वो शायद मेरा क्वेश्चन मैं रिफ्रेश नहीं कर पाया। मकसद मेरा ये है कि आप वी लुकअप करोगे 5-6 शीटों को, और एग्जांपल ले लें, मैं सर्वेड में काम करता था तो एक शीट 7-8 लाख एंट्रीज की होती थी, और अगर मैं 7-8 लाख वाली एंट्रीज की शीटें मर्ज करूंगा, शीट्स मर्ज करूंगा, तो ये 1 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगी, तो मेरे पास लिमिटेशन आ गई डेटा की। वो लिमिटेशन मेरे पास पावर बीआई में नहीं आती, डेटा लिमिटेशन का एक तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट ये है कि चलिए नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैंडल कर सकता है पावर बीआई वो ज्यादा कर सकता है, बहुत ज्यादा कर सकता है। अब उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्यादा कर सकता है। बेसिकली होता यह है कि पावर बीआई आपका डेटा कंप्रेस करता रहता है, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेशन इंजन बेसिकली काम करता है, आपकी फाइल को छोटा कर देता है। वो मैंने शायद आगे मिसाल भी दी हो, मैं उस पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि चले आप कहते हैं कि मुस्तफा मेरी तो फाइल ही छोटी होती है, मेरे पास तो 2000 एंट्रीज का डेटा होता है और मैंने दिन में 3 शीट्स मर्ज करनी होती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यार आप जब भी वी लुकअप लगाते हो तो आपको हर दफा लेट से मुझे दूसरे टेबल से 3 कॉलम्स उठाने हैं तो मुझे 3 दफा वी लुकअप लगाना पड़ेगा, और वी लुकअप लगाना भी मेरे लिए मसला है। तो मैं आपसे कहूंगा यार आप एक काम करो, उसको ऑटोमेट कर लो, लिंक बना लो टेबल्स का, रिलेशनशिप बना लो, इनकी आपस में दोस्ती क्रिएट कर दो, तो वो सारी की सारी मतलब मैं वी लुकअप से भी आपकी जान छुड़ा दूंगा। तो ये मतलब कोलेबोरेशन विद डिफरेंट वर्कशीट्स भी मेरे लिए बहुत आसान हो गया बाई यूजिंग पावर बी आई। एक और फायदा बता दिया मैंने आपको कि मेरे पास रिलेशनशिप्स मर जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मुस्तफा ठीक है जी, अच्छी बात बता रहे हैं आप, आगे चलें मुझे बताएं। मैं कहूँगा यार आपको पता है जब आप डेटा क्लीनिंग करते हो एक्सेल पे आपको हर दफा दोबारा करना पड़ता है। अब ये दानियल के पास डेटा आता है, दानियल को हो सकता है अपर के फंक्शन पता हो, ट्रिम का फंक्शन पता हो, दानियल डिफरेंट एक्सेल के फंक्शंस लगा रहा है, लेकिन हो सकता है दानियल को हर दफा दोबारा यही काम करना पड़ता हो। ऐसे ही दानियल, हैविंग सेट योर एक्सपर्ट इन एक्सेल जी, अब मैं कहता हूँ यार आप क्यों परेशान हो रहे हो, बस आप इसको वन क्लिक पे शिफ्ट कर दो। मतलब मेरी मिसेज ये मेरा वन क्लिक इतना सुन चुकी है, मैं मार्केट इतना करता हूँ, वो कहती है कि मुस्तफा आप अपनी कंपनी के नाम आपको वन क्लिक सॉल्यूशन रखना चाहिए था। मतलब क्या है इसका कि इतनी सारी एक्टिविटी जो आप 1 घंटे में कर रहे हो ना, वो हम उसको वन क्लिक में शिफ्ट कर देते हैं। वन क्लिक का मतलब हर किसी ये नहीं है कि भाई आप आंखें बंद करोगे, डेफिनेटली वो 1 घंटे का काम आपका 1 मिनट का रह जाता है। तो इसमें ऑटोमेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, 2 एक्सेल में भी हो जाती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पावर बीआई का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है इस मामले में। फिर आप कहते हो मुस्तफा ठीक है जी, और क्या चीज़ें, और मैं कहूँगा यार आप कस्टमाइजेशन उस लेवल की नहीं कर सकते पावर बीआई मतलब एक्सेल में। कस्टमाइजेशन का मतलब यह है कि मैं अगर दानियल आपसे कहूँ कि मैंने आज की सेल्स को कंपेयर करना है पिछले वीक की सेल्स के साथ, आज की सेल्स को कंपेयर करना है पिछले महीने की सेल्स के साथ, हाँ जी
मैंने इसकी मतलब आज की सेल्स को जुमेरात की सेल्स के साथ कंपेयर करना है, मैंने पिछले रीजन की सेल के साथ कंपेयर करना है, तो कैसे करूंगा मैं? तो ये जितनी कस्टमाइजेशन है ना, ये मयर्स इवन अभी इन्होंने एक्सेल में ये फीचर्स दे दिए हैं, लेकिन जो पावर बी आई की जो एक लेवल है वो इसमें एक्सेल में अचीव नहीं कर सकते आप, तो आप कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। आपने एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनाते होंगे, लेकिन जो पावर बी आई के डैशबोर्ड हैं, जो मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कस्टमाइजेशन की कोई एग्जांपल अगर आप दे सके। कस्टमाइजेशन की मिसाल मैं आपको दे रहा था, मिसाल ले लें, मैंने एक कंपनी के लिए, मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त फैशन अपैरल में, मुझे कंपनी ने कहा यार मुझे बताएं कि भाई सेल्स हमने लगाई है तो क्या सेल्स का फायदा हुआ है हमें, मतलब कंपेयर करके दें वो सारा डेटा जिसमें सेल्स थी और वो सारा डेटा जिसमें सेल्स नहीं थी, और मुझे बताएं कितने फीसद मेरी ज्यादा ट्रैफिक आई है ड्यूरिंग सेल्स पीरियड और कितने फीसद मेरी कन्वर्जन बढ़ गई है, मतलब मेरी मतलब क्लाइंट्स आए हैं उन्होंने खरीद के गए हैं। उसको फिर मैंने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ब्रेक किया है कि भाई हाई सेल्स हाई कन्वर्जन, लो सेल्स लो कन्वर्जन, हाई सेल लो कन्वर्जन, लो सेल हाई कन्वर्जन। अब इस तरह का एक क्वाड्रेंट बनाना एक्सेल पे मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। वहां मैंने मयर्स लगाए दो तीन, उसको मैंने कस्टमाइज किया, और आप सिर्फ डेटा अपडेट करो आपको फौरन पता लग जाएगा भाई किस रीजन में किस स्टोर में किस प्रोडक्ट में आपकी सेल बढ़ी और कहाँ कहाँ पे आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा कहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो ये आप पावर बी आई में कर सकते हो, यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सही, ठीक है जी। फिर हमने बात की कि भाई डैशबोर्ड्स बने नेक्स्ट लेवल के बन सकते हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। मैं रिपीट करूँ वन गो में 30 सेकंड में, दोबारा फिर आप में से किसी से टेस्ट करवाता हूँ कि भाई आप इस पर ऑटोमेट कर लेते हो, एक्सेल में नहीं कर सकते, पावर बी आई में ऑटोमेशन हो जाती है, कोलैबोरेट कर लेते हो डिफरेंट टीम्स के साथ, फिर आप इसमें सिक्योरिटीज लगा सकते हो, मतलब सिक्योरिटीज का मतलब है कि कोलैबोरेट तो किया लेकिन आप अपनी मर्जी की कोलैबोरेशन करोगे। फिर डेटा लिमिटेशंस होती है एक्सेल में, पावर बी आई में नहीं होती। एक्सेल में आप 500,000 एंट्रीज के साथ खेल रहे होगे ना, तो आपकी फाइल अटकना शुरू हो जाती है। पावर बी आई में आप 500,000 का कोई मसला ही नहीं है, मतलब एक मतलब मैं ये कहूँ 50,000 के साथ भी खेल रहे होगे ना तो कोई फील ही नहीं होगा कि मेरा डेटा तंग कर रहा है। पावर बी आई का कंप्रेसर इंजन बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द एक्सेल। फिर हमने बात की कभी रिलेशनशिप्स अच्छे बन जाते हैं, आपको वी लुकअप से जान छूट जाती है आपकी, डिफरेंट शीट्स को मर्ज करना हो आप कर सकते हैं। फिर हमने बात की कस्टमाइजेशन बड़े नेक्स्ट लेवल तक हो सकती है। फिर हमने बात की कि जितने भी डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं इनकी जो विजिबिलिटी और जो विजुअलाइजेशन के लिए पावर बी आई बहुत अच्छा टूल है। लेकिन मैं आपको आखिरी जुमला ये बोलूँगा द नटशेल इज़ कि एक्सेल को मैं डिनाई नहीं कर रहा, स्प्रेडशीट मॉडलिंग के लिए एक्सेल बहुत बेस्ट टूल है। स्प्रेडशीट मॉडलिंग के लिए आप डिफरेंट छोटे मोटे आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वन टाइम आपने कोई भी काम करना है तो पावर एक्सेल इज द किंग फॉर इट। ठीक है जी, आगे चलें। अब कह रहे हैं मुस्तफा ये सारी बातें तुमने कर दी, पावर बी आई में हमने करना है, तो पावर बी आई में जब हम आएंगे तो सबसे पहले तो डेटा गेट करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये आपको ऑटोमेट करेगी, मतलब आपके पास डेटा आया सेल्स का, आप कहते हो मैंने रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू होता है जी लेट्स से कभी सेल्स आई, सेल्स माइनस कॉस्ट इज माई रेवेन्यू, हर दफा आपको ये करना पड़ता है, लेकिन आप इस पे करोगे ये खुद ही निकाल दिया करेगा वन टाइम। फिर आप कहते हैं मुस्तफा मेरे पास डेटा आता है मुझे उसमें कैप्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब ये है कि जी गुलाम मुस्तफा स्मॉल में लिखा हुआ है, शहर न्याज कैपिटल में लिखा हुआ है, इमरान सलीम मिक्स लिखा हुआ है, तो सबको एक ही फॉर्मेट में करना है और मैं जब भी डेटा अपडेट करूँ खुद ही हो जाए करें, तो हम इस पर सीखना शुरू करें। ठीक है जी, अब मैं स्लाइड से निकल के थोड़ा सा पावर बी आई की तरफ भी आता हूँ। तो पावर बी आई की तरफ अगर आप आए, अभी आप डाउनलोड चाहे ना कीजिएगा लेकिन क्योंकि बाद में करना है आपने, तो पावर बी आई की इस तरह की विंडो ओपन होती है आपके सामने। डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट पे आप जाएं, फ्री डाउनलोड होता है ये पावर बी आई डाउनलोड, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। ये देखिएगा मैं इस पर आ गया वेबसाइट पे और मैंने डाउनलोड्स पावर बी आई पे आया और आप अपने डेस्कटॉप वर्जन के साथ इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ पे आप ऑप्शन आएंगे आपके पास और यहाँ से आप इसको पावर बी आई को आप डाउनलोड कर लोगे डेस्कटॉप वर्जन, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे काम करेंगे। अब ये मेरे ऐप स्टोर में आ जाएगा और वहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके पेड वर्जन में कोई फर्क है क्वेश्चन,
पेड वर्जन में फर्क सर ऐसा होता है कि जब आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, डेस्कटॉप तो फ्री है, मतलब आपकी विंडो आ जाएगी आपको, ये फ्री है। लेकिन जब आप कोलैबोरेट करते हो, जब आप दूसरों से शेयर करते हो, आप वेब बेस्ड पे काम करते हो, आपकी कंस्ट्रेंट्स आ जाती है कि भाई मैं तो भाई काम कर रहा हूँ एयरलिफ्ट के लिए, वो ह्यूज डेटा है और मेरी मुझे प्रो वर्जन चाहिए, उसके लिए फिर आपको पेड वर्जन पे जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इवन इसके तीन वर्जन होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है प्रो, एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम में फिर आपके पास लिमिटेशंस नहीं होती। इमरान साहब आपके पास कौन सा है, प्रो है कि प्रीमियम है? सर प्रो है हमारे पास। अब इमरान साहब के पास प्रो है, मैं अगर अपना चेक करूं तो मेरा कौन सा वर्जन है? भी हमने एक अपग्रेड किया प्रीमियम पे, हमारी कोई वो स्पेस लिमिटेशन थी उस वजह से ना। एग्जैक्टली अब देखें इमरान बता रहे हैं कि स्पेस लिमिटेशंस की वजह से उन्होंने प्रीमियम पे शिफ्ट हो गए थे। अब ये देखिएगा दानियल, मैं ऑनलाइन पे आ गया हूं, वहां से मैं शिफ्ट हुआ, मैंने सिर्फ अकाउंट की तरफ गया, तो ये पावर बी आई सर्विस है बेसिकली। पावर बी आई सर्विस पे आएंगे तो यहाँ पे मुझे आइडिया होगा कि मेरा कौन सा वर्जन है। प्रो है मेरा भी। अब प्रो है तो जैसे इमरान साहब ने बताया कि भाई आप प्रीमियम ले सकते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, तो वो इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इमरान साहब आप जब प्रीमियम पे गए हैं तो आपको लिमिटेशन क्या आ रही थी? सर कैशे साइज की को वन जीबी की मेरा ख्याल से जो रनिंग कैशे होती है ना उसके साइज की लिमिटेशन थी। तो हमारा डाटा जब ग्रो कर गया तो फिर उसे 10 GB पे लेके गए हैं प्रीमियम के थ्रू। हाँ वेरी गुड इमरान साहब, उस्ताद आप कैसे नहीं कहता माशाल्लाह, मुझे सर ना कीजिएगा दोबारा। अच्छा अब होता ये है कि जो इमरान साहब ने टर्म बोली ना कैशे साइज, होता ये है कि हो सकता है आपकी फाइल इनकी फाइल उस वक्त 3 GB की हो, लेकिन कैशे साइज का मतलब है जो कंप्रेस होने के बाद जो साइज बनता है ना उसको कैशे साइज कहते हैं, ऐसे ही है बॉस? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी अब हम आते हैं इस पे। अब मैं पावर बी आई पे आऊंगा तो सबसे ऊपर आएगा पावर बी आई डेस्कटॉप। मैंने जैसे मुझसे दानियल पूछ रहा था भाई क्या फर्क है, तो डेस्कटॉप तो सबके लिए फ्री है, डेस्कटॉप यूज करते हैं डेवलपर्स। जैसे इस पे मैं आपको दिखा रहा था कि भाई रोड मैप क्या है जी, आप डेटा गेट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, मॉडल बनाओगे, ये सारा काम आप इस पे करोगे, यहाँ पर ये सारा काम ये डेस्कटॉप पे हो सकता है। अब मैंने पब्लिश करना है ताकि दूसरे लोग मेरी रिपोर्टें देख सकें, तो वो मुझे सर्विस यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर मुझे पावर बी आई सर्विस पे आना पड़ेगा। अब पावर बी आई डेस्कटॉप पे आप आए तो आपके 3 व्यूज आते हैं, पहला आता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा आता है डेटा व्यू, तीसरा आता है मॉडल व्यू। अब इन तीनों में रिपोर्ट व्यू में आप देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक पेज है, लेकिन रिपोर्ट व्यू में मेरे पास साइड पे डेटा जरूर आ रहा है। ये 4 फाइल्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं इन सब पे जाऊँ तो मुझे बता रहा है कि भाई ये कंट्री का एक टेबल है, सबमिशन का मतलब है कि डेफिनेटली ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, ये सारे के सारे टेक्स्ट वेरिएबल होंगे जिसको क्वालिटेटिव सिखाया था मैंने आपको। और अगर जैसे ही मैं इस पे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा बता रहा है टेबल टूल्स, आपने इस पे कुछ करना है, नाम चेंज करना है, नहीं करना, रिलेशनशिप्स अभी हम देखेंगे। फिर यहाँ मैं आऊँ तो वो बता रहा है कि भाई ये एक कॉलम का नाम है और ये होल नंबर है और ये अनकैटेगराइज है, सम कर सकते हैं आप इसको क्योंकि ये क्वान्टिटेटिव वेरिएबल है। कैपिटल में आप आओ वो कहता है भाई आप समराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। लाइकवाइज ये सारी आपको समरी मिल जाती है। ये था रिपोर्ट व्यू। डेटा व्यू में मैं आऊँ तो मुझे इन टेबल्स की डिटेल मिल जाती है, ये 4 टेबल्स हैं मेरे, इन चारों की डिटेल आ गई। रिलेशनशिप्स में आए तो ये पता लगता है कि इनका रिलेशनशिप है कि नहीं, लेकिन अभी इसको पार्क करें क्योंकि ये मैं बाद में सिखाऊंगा। हम आते हैं भाई ये डेटा आया कहाँ से, मुस्तफा ये तुमने क्या स्टोरी सुना दी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने डेटा गेट करना है, जो पहला स्टेप होता है। तो पावर बी आई डेस्कटॉप में जब आप डेटा गेट करते हैं ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, और इसकी ब्यूटी ये है कि एक्सेल को आप हर एक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, पावर बी आई को आप हर एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बेनिफिट्स बताए थे, एक बेनिफिट इसमें ऐड कर लो कनेक्टिविटी का, कि भाई पावर बी आई में कनेक्टिविटी बड़े नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। इवन जो आप मैं ये कहूँ तो बेहतर होगा कि इनफिनिट सोर्सेज के साथ आप पावर बी आई को कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे ही इमरान साहब? जी सर बिल्कुल। अब इनफिनिट सोर्सेज में मोर में मैं जाऊँ आपको तो यहाँ मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पे वो बता रहा है कि सारे ये हैं डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब अगर मैं फाइल्स में जाऊँ तो बता रहा है कि भाई फाइल आप एक्सेल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सीएसवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जेसोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये बेसिकली वेब बेस्ड होती है।
XML और JSON का फर्क बताएंगे इमरान साहब, अगर आपको आइडिया है तो? सर जेसन बहुत ही लाइट वेट एक फॉर्मेट होता है, नॉर्मली जो न्यूज़ फीड टाइप आ रही होती हैं या बहुत ही आप समझ लें कि ब्रीफ किस्म का डाटा होता है, ये CSV से मिलता जुलता ही है, ठीक है। और ये बेसिकली XML, JSON, CSV बहुत लाइट वेट फॉर्मेट्स हैं, लेकिन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के, सॉरी ट्रांसमिशन के। यस, और डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस का तो इमरान साहब तो डेटाबेस के साथ उंगलियों पे खेलते हैं, लेकिन डेटाबेस का ये नए लोगों को शायद आइडिया ना हो। दानियल, तुम्हें आइडिया है डेटाबेस का? नहीं है, ये क्या SAP से कुछ रिलेटेड है? SAP एक डेटाबेस है इमरान साहब, बल्कि आप एक्सप्लेन करेंगे डेटाबेस को थोड़ा सा, एक 30 सेकंड का एक मुझे जरा आइडिया दे। इमरान साहब ने कहना है तो सब लोग यही कहेंगे इतना हमें पता है। बेसिकली डेटाबेस वही है जो हम समझते हैं सब लोग ना, कि आपने कहा कि जी डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स और बाकी वो चीजें जो हैं, ठीक है। अब उसको कहीं होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है और एक प्रॉपर अरेंज मैनर के अंदर रखने के लिए, तो वो टेबल्स होते हैं। टेबल्स में कॉलम्स और रोज होते हैं, तो रेलिवेंट डाटा एक टेबल के अंदर होता है, एक तरह का डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो एक कॉलम में और एक रो में एक रिकॉर्ड पूरा, उसके तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये कॉलम्स एंड रोज से टेबल्स बनते हैं और टेबल्स मिल के फिर एक डेटाबेस बन जाती है। लेकिन डेटाबेस टेबल्स तक ही महदूद नहीं रहती, उसके अंदर डिफरेंट व्यूज आप बना सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बना, यानी कि उसके अंदर एक डेटा के ऊपर एक लेयर होती है जिसमें कोडिंग वगैरह होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, तो वो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही। उन्होंने कहा कि भाई जैसे SAP है, SAP आपके पास दानियल सर SAP यूज हो रहा है? जी SAP यूज हो रहा है। SAP है ना, SAP B1 A1 कौन से वाला? SAP सादा, पुराना वाला। SAP सादा, SAP बेसिकली एक डेटाबेस ही है ना इमरान साहब? SAP सर एक पूरी एंड टू एंड ERP है नॉर्मली, सॉरी इसमें रिटेल वगैरह का मॉड्यूल तो नहीं होता, लेकिन वैसे बैक ऑफिस की पूरी ERP होती है। और ये SAP जो ये कह रहे हैं वो सादा वाला नहीं है, बेसिकली वो सबसे कॉस्टली और सबसे बड़ा जो वर्जन है उनका वो है B1 है, एक उन्होंने छोटा स्मार्टर वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ साल पहले। तो क्योंकि ये बहुत मशहूर है कि SAP बहुत महंगा है, नॉर्मली लोग इसको हाथ नहीं लगाते, तो उन्होंने थोड़ा सा ये जो लोग डरे हुए थे तो उनको थोड़ा सा अपने पास लाने के लिए B1 के नाम से एक वेरिएंट निकाला है, वो जरा ब्रीफ वेरिएंट है उसका। तो मुझे ये बताएं कि जो SAP का डेटाबेस क्या होगा? सर SAP का अपनी डेटाबेस भी होती है, और ये इस तरह के जो ERPs होती है ना, ये थोड़ी सी आप क्या कह रहे हैं वर्सटाइल होती है, वो उसके अंदर प्रोविजन होती है कि आप दूसरी डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैं जो दानियल बोस बताना चाह रहे हैं ना वो ये है कि SAP एक ERP सिस्टम है। अब एक ERP सिस्टम बैकएंड पे कहीं ना कहीं सेफ हो रहा होता है, हो सकता है वो SAP की अपने डेटाबेस में हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हो। सर्वर बेसिकली वो डेटाबेस की एक होता है कि जहाँ पे जाके आप सारा डेटा स्टोर करते हो। आपका अपना लैपटॉप एक आपका अपने लैपटॉप का सर्वर है, लेकिन जब कंपनी वाइड हम बात करते हैं तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ता है जिसपे आप सारा कंपनी का डेटा स्टोर कर सको। आजकल बात हो रही है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पर शिफ्ट हो जाओ, डायनामिक्स में शिफ्ट हो जाओ, तो वो क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि भाई तुम्हें इतनी मशीनें रखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी सारी चीज़ें बादलों में फेंक देते हैं। बादलों में फेंकने का मतलब है जहां मर्जी दिल करें लॉग इन करो और अपने डेटा को एक्सेस कर लो। ऐसे ही है इमरान साहब? जी बिल्कुल सर ऐसे ही। डेटा डंप्स जो है वो क्या होते हैं? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि टॉपिक से हटना नहीं है। डेटा डंप्स वैसे ये करते हैं कि मैं इमरान साहब आप ही बताएंगे सर, आप पहले एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, डेटा डंप्स बेसिकली होता ये है कि यार मतलब मैं ये इसको रीफ्रेज इस तरह करूंगा कि जब आप एक डेटा काम कर रहे होते हैं ना तो डेफिनेटली आपको अपनी मर्जी का डेटा चाहिए होता है। जब आपको अपनी मर्जी का, क्योंकि डेटा तो आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा होता है, मैं एक स्टोर में गया सर्वेट फार्मेसी के, तो मेरी बेपनाह इन्फॉर्मेशन उनके डेटा में स्टोर हो रही है। अब उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेना तो कोई मसला ही नहीं है। डेफिनेटली मैं अपनी मशीन में लोड डालूंगा, मैं अपने काम में लोड डालूंगा, तो मुझे डंप करना पड़ता है थोड़ा सा डेटा फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव। उसमें हो सकता है कि डंप मैं बिल्कुल ही कर दूँ डिस्कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि उसको मैं रख लूँ कि भाई दिल करेगा तो दो चार साल बाद कभी एनालिटिक्स में मेरे काम आएगा।
इज इट करेक्ट इमरान साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है सर। आगे चले फिर दानियल सहर। जी जी सहर। जी जी बिल्कुल सहर, आप सबसे यंग है तो आपकी सबसे ज्यादा क्लास होनी है, अगर आपने इंटरेक्शन ना शो की क्लास में एक्टिव रहना आपने। अच्छा मैं सारे दोस्त हैं सब लोग, तो मैं सर एक छोटी सी चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जरूर, जरूर। एक क्लास के अंदर जो है अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेज के ऊपर आपके, वो आपने क्लियर जरूर करनी है। उसकी वजह यह कि अगर हम वो क्लियर नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट उसकी डिटेल्स होंगी या नेक्स्ट जो अपकमिंग पॉइंट्स होंगे, हम उनके अंदर लॉस्ट रहेंगे थोड़ा सा ना, कि भाई पीछे में अभी क्लैरिटी नहीं थी, उसके ऊपर ये बिल्ड अपॉन हो रहा है तो मुझे इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत हो, बेशक मेरे ख्याल से लाजमी हमें पूछना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज करके चुप नहीं करना चाहिए, पूछें, क्लैरिटी है तो फिर हम आगे चलें। मैं वही बताना चाह रहा था कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है। चलें जी आगे चलें। अच्छा जी, ये सारे डेटा सोर्सेज है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम करेंगे सिर्फ एक्सेल के साथ कनेक्ट। हम जब एक्सेल के साथ डेटा कनेक्ट करेंगे तो अब मैं जब एक्सेल से कनेक्ट करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है भाई कौन सा डेटा उठाना है। मैं कहता हूँ कि यार वन ड्राइव में एक डेटा भरा हुआ है, बी आई में तो कोई डेटा नहीं भरा, ये फाइल मुझे चाहिए डेटा फॉर पावर बी आई लर्निंग। अब होना ये चाहिए कि भाई मुझे ये डेटा तो जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये एक मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी कि भाई आपने ये डेटा कनेक्ट किया, इसमें ये सारी की सारी वर्कशीट्स हैं जिनको आपने कनेक्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं, दो डिफरेंस फर्क आ रहे हैं, ये नीले रंग की इसमें पट्टी आ रही है, इसमें नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये एक टेबल है मेरे डेटा में, ये सादी टेबल्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये कनेक्ट करना है। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होती है कि मैं लोड कर दूँ कि ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आज हमने सीखनी है सारी, आज और कल हमारा काम ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, लेट से अब जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे आया तो मेरे पास पावर क्यूरी का एक विंडो ओपन हो गई, पावर क्यूरी एडिटर। पावर क्यूरी एडिटर करता क्या बेसिकली, मैं अगर अपनी प्रेजेंटेशन में वापस जाऊं तो सबसे पहले तो हमने पावर बी आई डेस्कटॉप पे आए, गेट डेटा किया, मल्टीपल रिसोर्सेज थे और मल्टीपल रिसोर्सेज हम कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन फ्लैट फाइल। अब आते हैं पावर बी आई पे, इस पे आते हैं पावर बी आई के बाद हम आते हैं पावर क्यूरी। पावर क्यूरी का जो है ना पावर क्यूरी एडिटर, इसके इंटरफेस देखो तो सबसे पहले ऊपर आते हैं टैब्स, होम टैब है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम्स है, व्यू है। हो सकता है आपको दो तीन टैब्स अभी एक्स्ट्रा नजर आए, उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त एक्सेल से लिया हुआ है। बताने का मेरा मकसद इसमें यह था कि पावर क्यूरी एक्सेल के साथ भी होता है, पावर बी आई के साथ भी होता है, लेकिन आपका एक्सेल का वर्जन 2019 या उससे बेहतर होना चाहिए। इवन 16 में भी आप डाउनलोड करते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल एड ऑन के साथ होता है। तो आप पावर क्यूरी टैब्स हैं, ये सारा का सारा बेसिकली रिबन है पावर क्यूरी का, और ये सारी क्यूरीज हैं। क्यूरीज का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स मैं यहाँ डाउनलोड करूंगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये फॉर्मूला बार है, और जो स्टेप्स मैं लेता हूँ वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब क्या है कि पावर क्यूरी मैंने ओपन की, अब आप कहते हो पावर क्यूरी को कि भाई गुलाम मुस्तफा जो नेम लिखा हुआ है इसको कैपिटल कर दो, तो ये वही स्टेप्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और ये सारे स्टेप्स आपके लिए डाउनलोड करता जाएगा, और फ्यूचर में सिर्फ आप एक रिफ्रेश का बटन दबाओगे जो कभी यहाँ नजर आएगा मेरे ख्याल से, रिफ्रेश क्यूरीज, वो मैं आपको वहां दिखाता हूँ। तो वो रिफ्रेश करोगे आप तो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएंगे। नीचे ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि भाई कितने कॉलम्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कितनी रोज के साथ काम कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है आपके लिए। ठीक है जी, अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सहर आपको कोई प्रॉब्लम? मैंने ये वाला डेटा निकाला अभी फिलहाल, बाकी डेटा को छोड़ दें। मैं इवन अगर ब्लैंक भी पावर बी आई निकालूं, मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ, लेट से दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैं पावर बी आई में आया, डेस्कटॉप का एक मैंने वर्जन ओपन किया, बिल्कुल ब्लैंक फाइल से चल रहा हूँ मैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके पास? शहर समझ आई यहाँ तक आपको? जी जी आ रही है। हाँ जी, मैं दोबारा पावर बी आई डेस्कटॉप ओपन कर रहा हूँ,
मैं आया यहाँ पे, अब इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये देखें, ना तो मेरे पास फील्ड्स हैं कोई, ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, विजुअलाइजेशन भी खाली है, ये भी है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, या मैं यहाँ से गेट डेटा कर लेता हूँ। अब एक्सेल के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार पावर बी आई लर्निंग से डेटा उठा रहा हूँ मेरे लिए, डेटा लोड हुआ। अब सारी चीजें, लेट से मुझे सेल्स पर्सन वाला टेबल उठाना है, मैं लोड भी कर सकता हूँ, लेट से मैं लोड कर लूँ, डेटा सोर्स वाला उठा लेते हैं, इसमें जरा डेटा ज्यादा है। ये लोड में और ट्रांसफॉर्म, मैं बताता हूँ आपको, मैं लोड करूंगा ना, ये देखिए मैंने लोड का बटन प्रेस किया है, इसका मतलब ये है कि प्रिज्यूम ये हम कर रहे हैं कि डेटा क्लीन है, मुझे कोई ऑटोमेशन नहीं करनी डेटा में। तो वो क्या करेगा, डेटा को क्रिएट करेगा कनेक्शन और डेटा को लोड कर देगा। ये देखें टाइम ले रहा है, टाइम क्यों ले रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है फाइल को। अब मैं यहाँ आपके दिखाऊं तो यहाँ आपको पता चलेगा, एक आपकी फील्ड ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें ये डेटा टैब में एक डेटा सोर्स की एक फील्ड ओपन हो गई। अब आप मुझे कह रहे थे कि भाई लोड कर दो, लोड में देखो एक्स्ट्रा कॉलम्स भी आ गए जो मुझे चाहिए नहीं, फिजूल कॉलम्स आ गए मेरे पास, और यहाँ पे एक टेबल आ गया कॉलम वन कॉलम, ये मेरे काम के नहीं है ना। मुझे अब फ्यूचर में हो सकता है वो डेटा शहर ने अपडेट किया हो, मैं पावर बी आई में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हर वक्त शहर से मैं रोला डालता रहूंगा, शहर यार इसको ठीक करो, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं, मेरा डेटा खराब हो रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है, मेमोरी ज्यादा ले रहा है। तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। कैसे करूंगा, मैं कहूंगा यार ट्रांसफॉर्म करो मेरे डेटा को, मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो पावर क्यूरी एडिटर में आ जाऊंगा मैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब पावर क्यूरी एडिटर ने क्या किया, वो स्टेप्स लॉक कर लिए, उसने पता यार ये सोर्स है जीएम का, सोर्स का मतलब है कि भाई यूजर गुलाम, उसको ये फार्मूला बारा जो मैं आपको दिखा रहा था कि भाई यहाँ से आपने डेटा उठाया, फिर कह रहे हैं नेविगेट किया उसने कौन सी शीट को, इस शीट को फार्मूला बार से, और उसने हेडर्स प्रमोट किया और मेरे पास डेटा दे दिया मुझे, कोई इशू यहाँ तक? अब इस पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्म खुद से हम बाद में कर रहे होंगे प्रैक्टिस, या कब मतलब हैंड्स ऑन कब कर इस पे काम? मेरा इसमें ख्याल ये था, मेरा इरादा ये था कि आज मैं आपको सिखाऊंगा ना, क्योंकि आज तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, कल आप आज प्रैक्टिस करोगे, फिर कल आप आओगे, मतलब आप अपने क्वेश्चन रेस करोगे, फिर हम मतलब ये है कि साथ साथ चलते रहेंगे, मतलब इसका मकसद ये पूरा वीक होगा आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे। अगर आपने अभी करनी है तो आज तो नहीं कम अज कम, क्योंकि अभी तो आज बहुत बेसिक से चल रहा हूँ मैं, स्लो हो जाएगा काम, मतलब ये कोर्स थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, आपको अपनी स्लीव्स फोल्ड करनी पड़ेगी। अब आप ये डेटा आ गया आपके पास, अब आप कहते हैं कि यार मेरे पास जब भी डेटा आता है ना, ये नेम्स में ना सबको कैप्स होना चाहिए, तो मैं ट्रांसफॉर्म में गया, फॉर्मेट में जाके मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए सारे कैप्स हो गए, अपर केस टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, नेम्स कैप्स, मैंने इसको रीनेम कर दिया, मतलब ये स्टेप्स मेरा उसने लॉक कर दिया। अब फ्यूचर में मेरे पास डेटा आएगा तो मुझे ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर आप कहते हैं कि मुस्तफा ठीक है ये आपने कर दिया, मुस्तफा मुझे ना और काम करके दिखाएं, मैं कहता हूँ यार इसको भी कैप्स कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म में गए मैंने इसको कैप्स कर दिया अपर केस में, वो टाइप वही थी तो उसने उसको भी कैप्स करके ठीक कर दिया। फिर आप कहते हैं कि मुस्तफा ये एक्स्ट्रा कॉलम्स तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं सब कॉलम्स को इकट्ठा करूंगा, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा रिमूव कॉलम्स, या यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ होम में जाके चूज कॉलम्स रिमूव कॉलम्स। अब ये देखो मेरे लिए इसने सारे कॉलम्स रिमूव कर दिए, मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँ ताकि मुझे याद रहे एक्स्ट्रा कॉलम्स। आप स्पेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेस के साथ नहीं करता, उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए। इमरान साहब उस्ताद जी, जहाँ मैं गलत बता रहा हूँ, जहाँ मैं कोई चीज़ मतलब वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। नहीं सर, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है सर, इसमें तो कोई आप क्लास के वीआईपी गेस्ट हैं, याद रखिएगा। सर ठीक है, ठीक है जी। डेटा मैंने लोड किया, उसके बाद आप कहते हैं कि जी मुस्तफा यार ये काम कर दिया तुमने, मुस्तफा ये सेल्स का डेटा है, ये तो इशारे में होना चाहिए, तो मैं कहूँगा काम करो डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, ये होल नंबर नहीं है, इसको इशारे में कर देते हैं, फिक्स डेसिमल नंबर, ये डेसिमल में आ गया, मैं इसको रीनेम करूँ ना करूँ ये मेरी मर्जी है, डेसिमल सेल्स लॉक हो रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं मतलब इधर तबाही नहीं मचा रहा, बेसिक काम कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि अच्छा मुस्तफा
ये सारा काम आपने कर दिया, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में मेंशन की हुई है? अच्छा एक क्वेश्चन है, ये जो डेट वाला कॉलम आप मुझे दिखा रहे हैं, ये अगर इसकी इसका जो फॉर्मेट है वो अप्रोप्रिएट ना हो तो ये खुद ही से रीड कर लेता उसको, फॉर एग्जांपल डॉट में हो? ये आपने वो क्वेश्चन पूछा है, इसे कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन। वजह क्या है मिलियन डॉलर क्वेश्चन? ये आपके लिए तो नहीं है क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हो, ये मेरिडियन में ये जो शहर काम कर रहे इसके लिए है। अब शहर काम कर रही है कनाडा के साथ भी, शहर काम कर रही है दुबई के साथ भी, सऊदीया के साथ भी। हो सकता है कि भाई ये डेटा है, कोई इसको सातवां महीना समझेगा, कोई इसको सातवीं डेट समझेगा, ऐसे ही है ना? तुम यही पूछना चाह रहे हो कि यार ये कौन से पिक करेगा? होता ये है कि ये बाय डिफॉल्ट ये भी है, प्लस मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस से अगर हम डेटा निकालते हैं और वो सैप से, मतलब हमें ये बहुत मसला आ रहा होता है कि वो एक अपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर दे रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7.1.2017, ठीक है, तो वो एक्सेल भी नहीं रीड कर रहा होता कि ये क्या इसने लिखा हुआ। उसका तरीका ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये खुद उसको रीड नहीं करेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, ये कैसे होता है। एक सेकंड, एक सेकंड यार, जी बोस। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि डेट्स को ना उसको आपको बताना पड़ता है कि यार ये मेरा क्या वर्जन है। अगर कभी ऐसा हो तो आपको उसको ना सेपरेट करना पड़ता है। मिसाल ले लो कि मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, आप कहते हो कि मुझको इन तीनों को सेपरेट करना है 7.3.2017, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ यहाँ से। पहले तो मैं देखूंगा ये डेट है, मैं कहूँगा यार इसको स्प्लिट कर लो, किस बेसिस पे? डिलीमीटर की बेस पे। अच्छा, इसमें मुस्तफा इसको ऐसे ही रखो, ये सारी जो तुमने यहाँ पे जो साइंस मारनी है ना, ये नए कॉलम्स में मारो, यहाँ ना मारो। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा, डुप्लीकेट कॉलम आ गया, वही कॉलम देखे मेरे पास ऐड हो गया, वो मेरा कॉलम ओरिजिनल उधर ही है। अब हो सकता था मैं वही काम करता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब मैं इसको ये काम कर देता हूँ। अगर आपको कोई स्टेप नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर दो। ये देखिएगा अभी ये डॉलर्स में अशारी में आ रही है ना, ये होल नंबर में आ जाएगी। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, नहीं यार इसको ट्रांसफॉर्म करना था, मैंने करेंसी में करना था, वेयर इज करेंसी, डेसिमल परसेंटेज होल नंबर, यहाँ करेंसी। इसमें करेंसी की ऑप्शन आती है, आई गेस वो मैं चेक कर लेता हूँ, ये इसको करेंसी में कन्वर्ट, इसको यहाँ पे डॉलर्स भी आता तो है वैसे ही। मैं इसको पार करते हैं फिलहाल, इसकी वजह क्या है क्योंकि यहाँ पे करेंसी की ऑप्शन आती, शायद मुझे भी नजर नहीं आ रही, होल नंबर डॉलर्स डेसिमल नंबर, इसको उसको पार कर ले, मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, लेट्स से मैं कहते हैं यार इसको करेंसी इसको डेसिमल नंबर में करते हैं, मैंने इसको डेसिमल में किया। अब मैं इस डेट्स के साथ प्ले अराउंड करता हूँ, कैसे? आप कहते हैं कि मुस्तफा मुझे सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करूँगा कॉलम बाय डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब होता है कि भाई किस पोजिशन पर करना है, मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ पर डैश आ रही है ना उस पर लदा कर दो ईच अक्रेंस, ये सारे उसने लगा लगा कर दिए। अब आपके सिनेरियो में हो सकता है ये पहली डेट हो, अब ये मुझे नहीं पता, लेट्स ये मेरी डेट है, सॉरी ये मेरा डे है, होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ 25 आ रहा था, ये मेरा मंथ होगा। अब देखे ना ये कंफ्यूजन हो रही है कि आपको अपने डेटा से आइडिया होगी, ये मेरी डेट है और ये मेरा ईयर है, बस अभी यहीं तक होल्ड करते हैं। अब ये मैंने काम किया, मैं अब इसको लोड कर देता हूँ, अब ये डेटा मेरा नीट हो गया और मेरा डेटा लोड हो गया पावर बी आई में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन शहर में दोबारा करवाऊंगा, आपको कोई क्वेश्चन?
मैं इसकी एक दफा प्रैक्टिस करूंगी फिर मैं इस पे कोई कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी ये स्टार्ट है, तब इससे पहले मैं वो मैं समझ सकता हूँ। कल वाले सेशन को थोड़ा सा हमने वो इस तरह मैंने प्लान किया हुआ, आज हमने किया, कल मैं हो सकता है मैं आती सबसे पहले 5-10 मिनट शहर से पूछूं, 10 मिनट इससे पूछूंगा दानियाल से, 5-7 मिनट में इमरान साहब के लूंगा और फिर हम इसको आगे चलेंगे। ऐसे ही इमरान साहब सही है ना? जी सर, इमरान साहब जी सर सही है। उस्ताद जी, जी मेरी आवाज आ रही सर आपको? ठीक है मेरी आवाज आपका सर? आपकी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर रही है। अब ये देखिए ये डेटा यहाँ पे लोड हो गया, उसने मंथ भी निकाल दिया, डेट भी निकाल, मेरी वन ड्राइव में फाइल भरी है पावर वे लर्निंग के नाम से। अब इस फाइल में देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ मैं इसको ना इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ एक फाइल अपलोड की, नेम डालते हैं दानियल। आपका पूरा नाम क्या दानियल? दानियल नहीं, दानियल अली डाल लेते हैं। चलिए ये नॉर्मल में है, 25 का डेटा है, ये डॉलर करेंसी है और ये यूएई है। अब मैं इसको सेव करके क्लोज करता हूँ। पावर बीआई पे आके सिर्फ मैंने रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है यहाँ पे। ये रिफ्रेश हो रहा है अभी, बेसिकली क्यूरी रन हुई है ना, ये रिफ्रेश होगा और ये रिफ्रेश से जाके आपको पता चलेगा कि भाई लास्ट वाला अगर मैं चेक करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये देखिएगा यहाँ पे दानियल भी आ जाएगा। हो सकता है उसने सॉर्टिंग, ये देखिए दानियल अली सबसे ऊपर आ गया, तो उसने 2025 भी अदा कर दिया, मंथ भी सेपरेट कर दिया, डेट भी सेपरेट कर दिया और नेम्स को भी कैपिटल कर दिया। यहाँ तक कोई इशू? मुझे थम्स अप दें। ये जीएम ये वाला ना मेरे ख्याल से बीच में वीडियो थोड़ी सी अटक गई थी, ये मुझे बताते हैं आपने किया क्या है? मुझे एक्सेल की फाइल के आगे से तो समझ आ गई है, लेकिन आपने ये अपडेट एंट्री अपडेट की है एक्सेल में जाके मेन डेटाबेस? जब एक्सेल पे आया मैं दोबारा करता हूँ शहर तुम्हारे लिए भी, मैं इधर आया मैंने एक नया डेटा अपलोड किया, ठीक है, और मैं कुछ स्मॉल में लिखता हूँ शहर, बाकी कैप्स में लिख लेता हूँ न्याज, और मैंने नेम लिखा कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, सेव करके फाइल बंद कर देता हूँ। मिसाल ले लीजिए डेटा अपडेट हो गया, हो सकता था ये डेटा किसी और के पास पड़ा, ये फाइल दानियल के पास पड़ी है, मैंने अपने पावर बीआई में आके सिर्फ इसको रिफ्रेश का बटन दबाना है ये वाला। अब ये देखिएगा यहाँ पे शहर भी आ जाएगा कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन। अब ये रिफ्रेश हो गया और यहाँ से मैं ये देखिएगा शहर न्याज, शहर आपको समझ आई? देखो सारे कैपिटल भी हो गए, आपका वो 2025 भी लदा हो गया, डेट्स भी लदा हो गई और मेरे लिए कॉलम्स भी काम कर रहे हैं। क्लियर है? मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये हम जब मतलब जो मैं सोच रही हूँ जिस तरह से जहाँ हम यूज करते हैं मेरिडियन में, तो ये हम हमेशा एक्सेल में कन्वर्ट करके फिर इससे लिंक करेंगे इसको, या वो डायरेक्टली डेटा से लेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन इज वेरी गुड, लेकिन मशवरा मेरा ये है कि जब आप लर्निंग कर रहे होगे ना, जब बहुत ज्यादा अपने होराइजन ओपन करोगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, उसका आंसर मैं दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करो फोकस रहो। होता यह है कि आप जब डेटा की बात करते हो ना, वो एक्सेल का भी हो सकता है, वो सैप का भी हो सकता है। जो तुम लोग जिस पे काम कर रहे हो वो सैप का डेटा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम एक्सेल पे करना सीख रहे हैं जो एक रेगुलर यूज होता है, वहां पे आप आओ तो डेटा बेसिस है। ये देखो आपका सैप भी आएगा यहाँ कहीं, ठीक है, मैं यहाँ सर्च पे दिखाता हूँ आपको सैप। देखो सैप है ना, आप लोग इससे कनेक्ट करते हो। अभी मेरे पास वो लैपटॉप मैंने वापस कर दिया उनको वासिल को, वरना मैं आपको दिखाता कि सैप से हम किस तरह कनेक्ट करते हैं। जब आप सैप से कनेक्ट करते हैं तो पूरा कंपनी के 50,000 किस्म के समझो कि टेबल्स मिल जाते हैं मुझे, फिर मुझे वही ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एक थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होती हैं। मतलब वो हमें जहाँ से हम लेना चाह रहे हैं वहीं से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं,
कोई ना, वो तो एक एक गेट डेटा की ऑप्शन है ना उसको, यानी मेरा जो समझ में आया बात शहर के क्वेश्चन से वो ये है कि हमारा जो डेटा सोर्स का मॉडल है वो हमारा बैकएंड पे वही डेटाबेस होगी जिसके साथ हमने कनेक्ट किया होगा, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो सैप हो चाहे वो असल डेटा हम वहां पे फीड कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म सारा लिंक पावर दिया है के साथ। मैं इनकी बात को रिफ्रेश करता हूं कि जो डेटा सोर्स है वो कहीं भी पड़ा हो सकता है, वो दानियाल के पास हो सकता है, वो अमेरिका में हो सकता है, वो सर्विट के पास हो सकता है, मैंने सिर्फ कनेक्ट करना है। मैंने एक्सेल से कनेक्ट किया क्योंकि इस वक्त काम ही सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अब ये फाइल मैं इवन मैं इसको दे सकता हूँ दानियाल को, इसका लिंक उठा के मैं यहाँ से उठा लूंगा और लिंक के थ्रू मैं काम करूंगा, दानियाल अपडेट करेगा, मेरा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। दानियाल समझ आइए? हाँ जी। लेकिन इसको ना सैप से किस तरह कनेक्टिविटी हो सकती है, मे बी हम कल या किसी और सेशन में जरूर उसको देखना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मेरे इस पूरे कंटेंट में, क्योंकि ये काफी एक्सटेंसिव पावर बैंक का कोर्स है, कनेक्टिविटी पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। उसकी वजह क्या है, होता यह है कि सैप से कनेक्ट करने के लिए ना वो सारा आईटी का रोल आता है, वो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको। इसमें मैं इवन इमरान साहब की हेल्प लूंगा। इमरान साहब, आप डायनामिक्स थोड़ा सा, तुम्हें पता होगा दानियाल डायनामिक्स आजकल ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ईआरपी सिस्टम है। इमरान साहब, डायनामिक्स को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे? डायनामिक्स से सर दो तरह से होता है, एक तो ऑन प्रेमिसेस होता है आपका, वो तो डेटाबेस की एक्सेस आपके पास होती है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑन क्लाउड जो होता है उसमें आपको एक्सेस नहीं मिलती डेटाबेस की। हाँ, उसकी डेटा जो टेबल्स होते हैं उनको एग्रीगेशन एक एंटिटी होती है, उसको कहते हैं डेटाबेस एंटिटी। एंटिटीज की एक्सेस आपको कंट्रोल्ड एक्सेस मिलती है, उससे आप अपनी डेटाबेस की सॉरी बीआई की डेटाबेस आप बना सकते हैं उन एंटिटीज से डेटा फेच करके। सारी की सारी एंटिटीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी बीआई की डेटाबेस में, वो सारा डेटा इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव डेटा क्लाउड का है उसे नहीं एक्सेस कर सकते। हाँ, अगर डायनेमिक्स आपके ऑन प्रेमिसेस है तो फिर तो टोटल एक्सेस है, वो एसक्यूएल की डेटाबेस है डायरेक्ट। आपकी ऑन प्रेमिसेस तो नहीं है ना? नहीं, हमारे ऑन क्लाउड है, हमने वहां से एंटिटीज एक्सपोर्ट करके तो बीआई में हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब उस जो इमरान साहब कहना चाह रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। होता यह है कि यहां से आप जाओगे, जैसे मैंने सैप की मिसाल दी थी अभी शहर के लिए, लेकिन आप सब लोगों को इंटरेक्टिव करने का मकसद यह है कि हम थोड़ा सीखें, ज्यादा सीखें, लेकिन जितना सीखें सॉलिड सीखें। मैं यहाँ पे डायनामिक्स की बात करता हूँ। इमरान साहब जाएंगे इसी तरह डायनामिक्स में जाएंगे 365। इमरान साहब, इसमें से कौन से वाला जो आप यूज करते हैं, 365 ही है जी? ये ऑनलाइन वाला है। हाँ, अब ये ऑनलाइन पे जाएंगे, मैं कनेक्ट करूंगा तो ये मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगेगा। अब ये क्रेडेंशियल्स का मतलब है यूआरएल होगा जो ऑनलाइन लिंक है, क्योंकि इनका क्लाउड बेस्ड है ना, तो मैं उसको पिक करूंगा ना, तो इसी तरह का मेरे पास डेटा लोड होगा। तो ये बैकएंड पे ना मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये डेटाबेस का एक ऑप्शन आता है कि जो मेरा डेटा है ये बेसिकली ऑन प्रीमिसेस है कि ऑन क्लाउड है, यहाँ से मुझे पता चलता है। ऑन प्रीमिसेस का मतलब थोड़ा, ऑन प्रीमिसेस का मतलब यह है कि ये डेटा आपका इधर ही पड़ा हुआ है, क्लाउड का मतलब यह है कि ये डायरेक्टली डेटा वहीं से ले रहा होता है, मतलब वहां पे आप कोई भी काम करोगे वो काम यहाँ भी अपडेट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप कोई ऑप्शन लेते हैं ना, मैंने ये आप डायनामिक्स में कह रहे हैं? जी जी, डायनामिक्स ऑनलाइन है, वो क्लाउड बेस्ड है। एग्जैक्टली। अब ये देखिएगा, ये डेटा है, ये एडवांस में मैं अगर जाऊँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये इम्पोर्ट किया हुआ मैंने फाइल। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रही होती हैं, डायरेक्ट क्यूरी, ड्यूअल और इंपोर्ट। इमरान साहब जो बात कर रहे हैं इनका मतलब है कि डायरेक्ट क्यूरी से वो डेटा कनेक्ट करते होंगे। डायरेक्ट क्यूरी का मतलब यह है कि मैं वहां पे भी कुछ अपडेट करूंगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, ऐसे ही है इमरान साहब? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। आगे चलते हैं, लेकिन हम लोग ने इम्पोर्ट का मोड यूज किया हुआ, इवन सर तुम भी इम्पोर्ट का मोड यूज करती हो वहां पर, क्योंकि डायरेक्ट क्यूरी रिकमेंडेड नहीं होती। वजह ये होती है कि डायरेक्ट क्यूरी का मतलब ये होता है कि वो रियल टाइम आपका डेटा अपडेट हो रहा होता है, तो आपकी जो फाइल है जो आप ऑप्टिमाइजेशन है उस लेवल की नहीं हो सकती। इंपोर्ट करें मर्जी का डेटा, ये भी हो सकता है ना, डायरेक्ट क्यूरी में 50,000 कॉलम्स हैं, मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, तो मुझे क्या जरूरत है इतने कॉलम्स के साथ एग्रीगेट मसला करने की, मैं उसका एग्रीगेट करूंगा अपनी मर्जी का कॉलम उठा लूंगा, तो ये मेरे पास डेटा लोड हो गया। अब कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? हेलो, नहीं यहाँ तक कोई इशू नहीं। जीएम मुझे सिर्फ 8 मिनट दीजिएगा, मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब हूँ मैं इधर ही, मैं एक सीट से उठ रहा हूँ 1 मिनट के लिए।
आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे और भी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार हमें ना कुछ और भी एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटीज क्या करनी, स्प्लिट कॉलम भी हमने सीख लिया। अब आप कहते हैं कि यार मुस्तफ़ा मुझे ना ये नेम सेपरेट करने हैं, हमें कुछ और स्प्लिट कर लेते हैं, लेकिन मुझे सेल्स पर्सन का नेम भी रखना है, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम भी मुझे सेपरेट करना है। तो उसके लिए मैं ऐड कॉलम में जाऊँगा, कस्टम कॉलम के पास चले जाऊँगा। सॉरी, सबसे पहले तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, यह कॉलम मेरा ऐसे ही रहेगा, इस कॉलम को मैं सेपरेट करता हूं अब स्प्लिट कॉलम के थ्रू बाय डिलिमिटर। यहां मेरे पास सिर्फ स्पेस है। अब मैं चाहता हूं कि भाई लेफ्ट मोस्ट करूंगा तो सिर्फ वो लेफ्ट वाला नेम सेपरेट करेगा। अगर मैं ईच अकरेंस करूंगा तो हो सकता है किसी का नाम मोहम्मद शहजाद अली अंजुम हो तो वो चार कॉलम्स बनाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहला नेम सेपरेट हो जाए, बाकी सारा लगा हो जाए तो लेफ्ट मोस्ट में करके इसको सेपरेट कर दूंगा। ये देखिएगा, ये मेरा आ गया फर्स्ट नेम, आ गया लास्ट नेम। फर्स्ट नेम को मैं ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम का मतलब है मैं इसकी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दूंगा, और लास्ट नेम को भी मैं ट्रिम करके इसकी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दूंगा, और ये मेरी वर्किंग हो गई। और ये जो मैंने रीनेम किया कॉलम, चेंज टाइप स्प्लिट बाय डिलिमिटर, मैं इसको रीनेम कर दूं ताकि मुझे याद रहे स्प्लिट नेम्स के लिए मैंने। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? शहर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। ये जो अप्लाइड स्टेप्स का एक पैनल राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है, ये वो स्टेप्स हैं जब भी हम रिफ्रेश करेंगे, नया डाटा लेके आएंगे तो ये स्टेप तमाम डाटा पे दोबारा से रन होंगे ताकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया वो अप्लाई हो जाए। ये स्क्रिप्ट्स हैं क्या? एग्जैक्टली, वो सबसे पहले सोर्स के पास जाएगा, नेविगेट करेगा, हेडर्स को सही करेगा, टाइप चेंज करेगा, नेम्स को कैप्स में करेगा, एक्स्ट्रा कॉलम्स रिमूव करेगा। अब देखो ना, मुझे चेंज टाइप, अब मैं कितनी स्पीड से बताया जा रहा था, यहाँ मैंने बताया नहीं क्योंकि मैंने उसको रीनेम नहीं किया, तो मैं रीनेम जरूर करता होता हूँ। हो सकता था मैंने ये सेल्स को चेंज किया, सेल्स डेसिमल, तो ये जरूर किया करो दोस्तों। अब मैंने स्प्लिट बाय, मैंने उसको देखा ना, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारे स्टेप्स मेरे पास यहाँ पे लॉग हो गए। अब दोबारा एक फाइल रीलोड करते हैं। शहर मुझे बताएं मैं कहाँ से करूँगा, ये तो मैंने एक टेबल लोड किया, मैं एक और टेबल लोड करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? हाँ जी, अच्छा मैं दानियल दोबारा डिवाइस करा दूँ आपके लिए। मैंने किया ये, मैं डिलीट करता हूँ। ये था, मुझे रिक्वायरमेंट आई थी आपकी कंपनी की तरफ से कि भाई ये सेल्स पर्सन का नेम तो ऐसे ही रखना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करो जिसमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम सेपरेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले ऐड कॉलम करके डुप्लीकेट कर दूंगा। ये देखो मेरा स्टेप लॉक हो गया। डुप्लीकेट वाले कॉलम को मैं पकड़ूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाके स्प्लिट कर दूंगा बाय डिलिमिटर। अब डिलिमिटर में उससे पूछ रहा भाई किस तरह स्प्लिट करूँ, मैं कह रहा हूँ स्पेस के साथ। कहाँ से? हर कोई, मैं कह रहा हूँ नहीं सिर्फ लेफ्ट वाला। मतलब क्या इसका? मतलब आपका नाम हो मोहम्मद दानियल अली सोहरवर्दी, अगर मैं ईच अकरेंस करूंगा तो ये मोहम्मद दानियल अली सोहरवर्दी के चार कॉलम्स बना देगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ पहला नेम अलहदा हो, बाकी सारा नेम इकट्ठा हो जाए। लेट्स से मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफा अगर होता तो सिर्फ मोहम्मद पहले आ जाएगा, गुलाम मुस्तफा सेकेंड अकरेंस में आ जाएगा। तो लेफ्ट मोस्ट में कर सकता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस है, आप कोई भी ऑप्शन ले लो। यहाँ मेरे पास स्पेस थी तो मैंने स्पेस यूज की, आप कस्टम में जाके आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लो। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो काम करेगा, नहीं है तो जो काम करेगा वो कर दो। उसने स्प्लिट किया और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम का मतलब है कि मैं इसको कह सकता हूँ फर्स्ट नेम। और याद रखिएगा एक बात मैं आपको बता दूं, ये केस सेंसिटिव है लास्ट नेम। केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट नेम मैं स्मॉल में लिखूं एफ या कैपिटल में लिखूं, ये दो अलग अलग एंटिटीज बनेंगी। अब मैं इसको स्पेस रिमूव करता हूं और ये मेरे सारे स्टेप्स लॉक हो, और ये मेरे सारे स्टेप्स यहां तक क्लियर हो गए। अब मैं एक और डेटा लोड करने लगा था, शहर से पूछा था, शहर मैं एक नया टेबल लोड करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? कहाँ से करना चाहता?
उसी फाइल से पहले मैंने डेटा सोर्स लोड किया था ना, अब उसी फाइल से मैं कोई और टेबल लोड करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये जो डेटा सोर्स आ रहा है इधर से हम करेंगे, फिर इधर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? मैं कहूंगा सबसे पहले पावर क्यूरी की विंडो से बाहर निकलो, क्लोज एंड अप्लाई करके, स्टेप्स मेरे लॉक हो गए। अब मैं पावर क्यूरी की विंडो से निकल के पावर बीआई की विंडो में आ गया, अब बताएं मुझे मैं क्या करूं। टैब सॉरी मुझे नहीं, डेटा सबसे ऊपर लिखा है आपके पास, मैंने स्लाइड भी भेजी है, उसमें सबसे पहली स्लाइड ये कह रही है गेट डेटा के पास जाओ, कहाँ से? डेस्कटॉप में जाओ, होम में जाओ, गेट डेटा में जाओ। अच्छा, तो हमने कोई नया डेटा लेना है ये आप कह रहे हैं? इंपोर्ट करना है। जी जी सही सही, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। गेट डेटा के पास जाएंगे, बल्कि आप बताए ना, मुझे तो भूल गया। हाँ गेट डेटा करेंगे यहाँ से, जो भी हमारी एक्सेल की फाइल है यहाँ पे आप लोगों का दिमाग खुलना है। अब दानियल कहेगा यार मैं तो सैप से कनेक्ट करना चाहता हूँ, सहर कहेगी मैं सैप B1 से, इमरान साहब कहेंगे मैं डायनामिक से, आमिर साहब कहेंगे मेरी कंपनी एक्सेल ही चलता पे है, तो फिर हम आमिर साहब की बात मान के एक्सेल पे जाएंगे। यहाँ से मैंने फाइल लोड की, अब जब मैंने फाइल लोड की तो उसमें काफी सारी शीट्स है ना, तो पहले तो मैंने ये वाला लोड किया था, अब मैं चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट वाला टेबल लोड करूँ, तो सिंपल मैं उसको पिक करूंगा। अब क्या करूँ सहर? अब इसको ट्रांसफॉर्म करें। मैं लोड भी तो कर सकता हूँ। लोड करेंगे तो वो एज इट इज जितना डेटा है वो सारा उठा लेगा। लोड करने का नुकसान क्या होगा दानियल? मुझे भूल गया यार, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होगा, मैं लोड करूंगा, डेटा लोड हो जाएगा, लेकिन ये मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, मैंने लोड कर दिया, डेटा लोड हो गया, ठीक है डेटा आ गया मेरे पास। अब ये वाला टेबल नहीं था, ये वाला टेबल था, प्रोडक्ट वाला टेबल में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये क्या मसला है? इसका मतलब है कि कोई मसला है, क्या है? चेक करते हैं, जाके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। अब मैं इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है, शहर क्या करूं? शहर बताएंगी ये ऊपर लिखा, ये जो ट्रांसफॉर्म डाटा आ रहा है यहाँ पे जाएंगे हम। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं इधर आ गया, अब मुझे बताएं मेरे पास कितनी क्यूरी है इस वक्त सर? दो। हाँ ये लिखा हुआ है। अब मैं किस क्यूरी पे काम कर रहा हूँ दानियल? अभी आप काम कर रहे हैं ये डेटा सोर्स में ना, ये डेटा सोर्स। अब मुझे प्रोडक्ट क्यूरी पे आना है। जैसे मैं प्रोडक्ट क्यूरी पे आया तो उसने बताया कि यार तुम्हारा मसला यह है कि यहाँ काफी सारे नल आ रहे हैं, ये मसला तुम्हारे डेटा में। अब ये टेबल है, इसमें ये सारे मसला हल करना है। अब इसका इसको कैसे हल करें, क्या करना चाहिए मुझे दानियल? दानियल बहुत सिंपल यार, सिंपल। यहाँ जाऊंगा मैं, कहूंगा यार फिल्टर कर दो नल को, बस फिर दोबारा करता हूं। डेटा था बीच में मिसिंग वैल्यूज हो, फिर होता ये है, ये गुड क्वेश्चन। आपको ये बताना चाहिए कि मेरे डेटा में प्रॉब्लम क्या हो सकता था। यहाँ पे किसी जगह एक नल होता, बाकी सारा डेटा ठीक होता, तो ये आपको ऑटोमेशन करते हुए ये ध्यान में रखना है कि यार प्रॉब्लम क्या है। मुझे ये पता चल रहा है कि यार मेरे इस सिनेरियो में नीचे सारा प्रॉब्लम है, तो मैं करूँगा नल। मैं यहाँ से भी कर सकता था, इसको डिलीट हम क्यों नहीं करते अल्टरनेटिवली? अल्टरनेटिवली भी डिलीट कर सकते हो आप। अब डिलीट करने के लिए तुम उसको डिफाइन क्या करोगे? मतलब डिलीट असल में रिमूव कॉलम्स कर ही यही रहा है बैकएंड पे। जो आप बात कर रहे हो ना डिलीट की, मैं डेटा सोर्स को डिलीट करके दिखाता हूं आपको। वो बेसिकली ये डेटा सोर्स नहीं है मेरा, हमेशा डेटा सोर्स में काम करते हैं। यहां सिर्फ आपने डेटा को अपनी मर्जी से बनाना है, रिमूव करना है, ऐड करना है, तो डिलीट यहाँ नहीं हो सकता, डिलीट वहां होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तुम्हारा,
मतलब ये होना ये चाहिए कि मैं सोर्स वाले से कहूँ भाई उसको डिलीट मारो यार मुझे तंग कर रहा है, यहाँ तो मैं सिर्फ उसको रिमूव कर सकता हूँ, मेरे पास मर्जी का डेटा आ गया। अब ये डेटा आ गया मेरे पास, अब मुझे लगता है कि यार प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई है, सारा कुछ ठीक है, मैं इसको कैप्स में करना है। इमरान साहब सर एक सेकंड, ये बताइएगा कि डेटा फिल्टर आउट हुआ है या डिलीट हो, डिलीट तो नहीं हुआ होगा ना? मैं आपको दिखाता हूँ, गुड क्वेश्चन यार इमरान साहब, ये देखिएगा रिमूव कॉलम्स का मैं ऑप्शन जाऊँ, सॉरी वो रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है चूज कॉलम्स, वो मुझे बता रहा है कि तुमने ये कॉलम्स चूज किए हैं, मैं अगर इसको रिमूव करूं ये मुझे बता रहा है कि तुम्हारे पास ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ तो यहाँ से कॉलम्स रिमूव करते हैं लेकिन वो यहाँ रहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई काम करो मुझे वेंडर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेकिन इन एक्चुअल वो बैकएंड पे जरूर भरा हुआ है, ये देखें। लाइकवाइज आपने इसको जब रोज डिलीट की रिमूव की बेसिकली, आप जब इसको स्टेप रिमूव करोगे वो वाला तो वो वापस आ जाएगा, मतलब ये वो समझे कि आपकी कैशे मेमोरी इसमें साफ की है, एक्चुअल मेमोरी नहीं साफ की, एक्चुअल मेमोरी में ये सारा कुछ है, ये सिर्फ उसने वो काम किया है कि ताकि आपका डेटा सीधा पदरा हो जाए। ठीक है मुस्तफा, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम्हें ये समझ आ गई कि डेटा आ गया मेरे पास, मैं यहाँ से नल करूँ क्योंकि मुझे लगता है ये नल सारा मुझे तंग कर रहा है, तो ये ठीक हो गया, ये फिल्टर किया है हमने, फिल्टर किया है मैंने, सिर्फ फिल्टर किया है। अब ये फिल्टर ऑटोमेट करेगा, हर दफा डेटा आएगा नल को बाहर फेंक देगा, और लाइकवाइज मैं इसको कैप्स में करना है, कैसे करूं सहर? इसके फॉर्मेट में जाएंगे आप? ट्रांसफॉर्म में जाके फॉर्मेट में जाऊंगा, वेरी गुड यू आर इंटेलिजेंट। अब मैंने दानियल इसको भी मैंने कैप्स में करना है, कैसे करूं? दानियल भाई जी जी बस इसको मैंने कैप्स में करना है प्रोडक्ट्स को, इसको फॉर्मेट कर दें और कैप्स में लीजिए, वेरी गुड। अब मैंने एक नया काम करते हैं, नया काम ये करते हैं कि मैं कहता हूँ जितनी कॉस्ट है ना मैं इसको 2 times मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मैं ये निकाल सकूं मेरी प्राइस क्या प्रोडक्ट की। इमरान साहब कैसे करेंगे? मुश्किल सवाल है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे खुद भी भूल गया। नहीं आप कहते प्रोडक्ट कॉस्ट इसको 2 times 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो उससे क्या सर क्या आएगा? मैं चाहता हूँ मेरी प्राइस, ये कॉस्ट है ना, मैंने रिटेल प्राइस निकालनी है, अब रिटेल प्राइस मुझे सिस्टम तो नहीं मिल रही लेकिन मिसाल ले लें कंपनी कहती है 2 से 0 दे दो सबको, मतलब आप 100% मार्जिन है तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक नया कॉलम लेके आना चाह रहा हूँ, ऐड कॉलम करना चाह रहा हूँ, उसका नाम होगा रिटेल प्राइस, कैसे निकालूं? ओके नो आइडिया सर, यहाँ कहाँ आप जाएंगे? और सर ये देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, ऐड कॉलम में जाएंगे, अब ऐड कॉलम में मैं कस्टम कॉलम के पास जाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा, एक विंडो ओपन हो गई कस्टम कॉलम की, रिटेल प्राइस ऐड कर दो जी। ये याद रखिएगा एक्सेल में दानियल तुम जब काम करते हो तो तुम एक सेल पे फॉर्मूला लगाते हो ना, पावर एक सेल को नहीं समझता, पावर बी हमेशा कॉलम को समझता है, उसके लिए ये सेल कुछ भी नहीं है। मैं इसको डिलीट कर लूंगा, इस स्टेप को दोबारा कर लेंगे बाद में। अब एक्सेल के लिए आईबीएम कुछ भी नहीं है, उसके लिए बस एक ये यूनिक रो है और ये पूरे कॉलम पे कुछ भी करेगा तो करेगा, मतलब मैं कहूंगा भाई प्रोडक्ट वाले कॉलम को 2 से 0 दे दो, बात खत्म। कैसे करूंगा कस्टम कॉलम, मैं इसका नाम रखूंगा रिटेल प्राइस, करूंगा अभी वो कह रहा है भाई तुम्हारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इसको पकड़ूंगा प्रोडक्ट कॉस्ट को जरब कर दूंगा 2 से, कितनी आसानी से मेरे पास रिटेल प्राइस आ गई। अब फ्यूचर में यहाँ कोई नई प्रोडक्ट आएगी वो खुद ही 2 से 0 देके इसको ठीक कर देगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब मैं आप लोगों को सुस्त बना रहा हूँ, मैं सुस्त इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ और काम कर सकें। अब इसमें एक एरर है, बहुत बड़ा एरर है डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉलम में गौर से देखें, जो भी बताएगा आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को समझ आ रही है।
दानियल आप बताओगे क्या इसमें एरर है कोई? इसमें एक एरर है, वेरी गुड। आप इसके नेम देखो तो वो कह रहा है ये एबीसी है कि 1 2 3 है, मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको टेक्स्ट समझूं कि मैं इसको नंबर समझूं, मैं इसको क्वालिटेटिव में अज्यूम करूं कि क्वांटिटेटिव में अज्यूम करूं। ये एरर आपको क्या करेगा फ्यूचर में, इस पर कोई एनालिटिक्स नहीं लग सकेगी, उसको समझ ही नहीं आनी। मशीन को समझाने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, उससे कहूंगा भाई ये नंबर है, वो नंबर से पुट करेगा। ठीक, अब ऐड कॉलम मैंने किया था, मैं इसको रीनेम करूंगा ताकि फ्यूचर में मुझे स्टेप्स याद रहे, रिटेल प्राइस का स्टेप से। ऐसा ना ना हो कि इमरान साहब मैं भूल ही जाऊं कि भाई मैंने क्या कौन सा कॉलम ऐड किया था। जी सही सर, वो समझ आ रही है? जी सर आ रही। सर आप मुझे सर ना कहें, आप मेरे उस्ताद हैं यार, मैं इसके क्या करें। नहीं अब सर है। अब मैंने इसको लोड किया, इस वक्त माशाल्लाह दो सीनियर मेरे साथ बैठे हैं, एक आमिर साहब और एक इमरान साहब। अच्छा जी, डेटा लोड हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, स्टेप्स में रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा कि डेटा गेट कैसे करते हैं, उससे पहले हम जाए तो हमने देखा कि भाई टाइप्स क्या होती, वेरिएबल्स की मैं रिवाइज करता हूँ। बिल्कुल, हम यहाँ आए थे तो हमने देखा था टाइप्स क्या वेरिएबल की, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव, इसकी सब टाइप्स क्या थी, इसकी सब टाइप्स क्या थी। फिर मैंने बात की थी इसका वेट कितना है, उसने बताया यार मैं तो कंटिन्यूस वेरिएबल है। फिर मैंने पूछा शहर से भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 या 3। शहर ने कहा नहीं यार तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, वो तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। फिर हमने बिल्लियों के रंग पूछे तो पता चला वो नॉमिनल वेरिएबल है। फिर इमरान साहब ने बताया था कि भाई आप हायरार्की में डिफाइन करते हैं तो वो होता तो टेक्स्ट ही है लेकिन वो ऑर्डिनल होता है। फिर हमने देखा था पावर बीआई में गेट डेटा एक बहुत बड़ा टूल होता है कि डेटा कनेक्टिविटी कैसे करनी, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे ये पास्ट डेटा पे। फिर हम एनालिटिक्स करेंगे और फिर इसको पब्लिश कर देंगे। फिर इस पूरे में सवाल पूछा था उसने दानियाल ने कि भाई प्रो में प्रीमियम में फ्री में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने बताया था कि भाई जब आप डेटा डाउनलोड करते हो तो पावर बी आई डेस्कटॉप तो हर जगह फ्री होता है, ये वाला वर्जन। जब आप सर्विस में आते हैं तो फ्री वाला भी मिल जाता है आपको, लेकिन आप पब्लिश नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी लिमिटेशन आ जाए तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। फिर हमने देखा कि भाई गेट डेटा में मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, एक्सेल वर्कबुक हो सकती है, डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट फाइल हो सकती है, वेब बेस्ड सर्विस हो सकता है, शेयर पॉइंट हो सकता है, वन ड्राइव हो सकती है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप लोगों को बेसिकली बताया था कि एक्सेल में और पावर बी आई में क्या क्या फ़र्क है, ये मुझे कौन बताएगा? दानियल बताएगा। ये एक तो हमने ऑटोमेशन का जिक्र किया था, के बाद कोलैबोरेशन की बात की थी विद डिफरेंट क्रॉस फंक्शंस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सेल्स। फिर सिक्योरिटीज की बात की थी कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं व्यू को, नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैंडल कर सकती हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स उसकी बात की थी। उसके बाद कस्टमाइजेशन की हमने बात की थी कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इवेल्युएट कर सकते हैं आपके कैसे क्या रिजल्ट्स आए, सेल्स की आपने एक एग्जांपल दी थी। और फिर विजुअलाइजेशन, विजुअल्स जो क्रिएट किए जा सकते हैं डैशबोर्ड्स, और फिर कनेक्टिविटी विद अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इसकी कनेक्टिविटी। जी वेरी गुड। शहर मुझे बताएं कि ये पावर क्यूरी क्या चीज़ है, पावर क्यूरी में हम क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या है, फायदा क्या है, क्यों जाना है, क्या समझ आई है तुम्हें? ये हमने जब डेटा गेट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ से आके हमने जो अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। डेटा गेट करोगे तो कहाँ कहाँ से डेटा गेट कर सकते हो? हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, सैप से भी कर सकते हैं, और मतलब डिफरेंट जितने भी हमारे डेटा बेसिस हैं उनसे डेटा हम ले सकते हैं। जी, उसके बाद आप करेंगे गेट करेंगे फिर क्या होगा? फिर हम पावर क्यूरी में जाएंगे। क्यों जाना है? क्योंकि उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा। दानियल, अगर मैं सिर्फ लोड कर दूंगा तो क्या मसला होगा? वो एज इट इज जो भी उसका फॉर्मेट होगा हमारी डेटाबेस का वो वैसे ही आ जाएगा विदाउट क्लेंजिंग या करने के, तो वही प्रॉब्लम आ गया। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर रहा हूं ये ऑटोमेट हो रही है? हां जी जी जी। शहर आगे चल रहे हैं फिर क्या होगा? फिर उसके बाद हम कस्टमाइजेशन करेंगे कॉलम्स की।
रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन पे दोबारा जाते हैं। इमरान साहब आपकी थोड़ी सी मुझे माहिरान राय चाहिए, अभी तक क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली है ताकि आप सब लोग नोट भी कर सकें। सर मैंने तो अभी जो नोटिस किया है वही डेटा क्लीनजिंग ही ज़्यादातर की है, स्टैंडर्डाइजेशन की है, ठीक है, और अगर कोई ऑन नीड बेसिस पे हमने कुछ स्प्लिट किए हैं कॉलम्स या कोई एक कैलकुलेशन की कहीं भी हमें चाहिए नए कॉलम के अंदर, तो वो नया कॉलम ऐड करके एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू से वो कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ नया कॉलम हमने बनाया है। ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन ही है और नॉर्मलाइजेशन तो खैर नहीं अभी हमने की, स्टैंडर्डाइजेशन बात अभी हम करेंगे कीज वगैरह की जब मॉडलिंग पे आएंगे। अच्छा सर इसमें ना एक मैं सॉरी पूछना चाह रहा था कि अगर हमारे पास एक्सेल की डाटा सोर्स है और कोई ऐसी डाटा सोर्स है जिसमें कॉलम हेडिंग्स नहीं है, सिर्फ डाटा की रोज ही है, डाटा ही है, तो वो हेडिंग्स हम यहाँ वो कर सकते हैं उसके लिए, वो सेम फॉर्मेट पे सोर्स पड़ा हो, डाटा चेंज होता रहे और उसका तरीका ये होता है हेडिंग्स नहीं होती तो हेडिंग्स कहीं ना कहीं तो आपके पास यहाँ होंगी, यहाँ आप इसको रीनेम कर सकते हैं, लेट्स से वो कॉलम वन कॉलम टू लिखा आएगा आप इसको रीनेम कर दो, यहाँ लेट्स से अगर आप कहते हो कि यार शुरू में तो यार कंपनी का नाम था उसके उसकी रिसोर्सिस थे उसका एड्रेस था, ये वाला कॉलम जो है ना मेरा ये वाला कॉलम मेरी हेडिंग है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है मैं करके दिखाता हूँ आपको, रिमूव रोज टॉप रोज, लेट्स से मेरा नाइन्थ कॉलम मेरी हेडिंग लिखी हुई थी, मैं कह रहा हूँ टोटल आठ रोज मेरी ऊपर वाली रिमूव कर दो, कर दी सही, लेकिन उसने मेरी हेडिंग्स क्योंकि मैंने पैडिंग्स पहले से बनाई हुई थी यहाँ, एक तो मैं रिमूव रोज करके उसको ले आऊंगा और यहाँ एक ऑप्शन आती प्रमोट हेडर्स, प्रमोट हेडर्स की एक ऑप्शन आती है जिससे आप अपने हेडर्स प्रमोट करते हैं, यानी कि कोई भी रो करके आप कहें कि ये उसको प्रमोट कर दें एज हेडर रो, ये देखें यूज फर्स्ट रो एज हेडर, अभी देखिए मेरा ये फर्स्ट रो मेरी हेडर हो गई, ये वो नोवा कॉलम है जो मैंने डिलीट करके ऊपर लेके आए, मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको, यहां तक थे नहीं मैं यहां नहीं डाल सकता ना एंट्री, ये मेरा डेटा नहीं है डेटाबेस में, मैं कोई एंट्री करके दिखाता हूं बल्कि, अब आप कह रहे हैं तो इमरान साहब उस्ताद हैं तो उस्ताद की बात को मैं रद्द नहीं करूंगा, अब इमरान साहब ये आपका डेटाबेस है मिसाल ले लें, ये हेडिंग्स हैं मेरी, अब मैं बताऊं इसमें एरर आएगा क्यों, क्योंकि याद रखिएगा आप अपने कॉलम्स का हेडर नहीं चेंज कर सकते, एरर आएगा, लेट्स सी कॉपी करता हूं, यहां मैंने पेस्ट किया, अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूंगा ना तो मेरा वो मेरी क्यूरी खराब हो जाएगी क्योंकि मेरे कॉलम्स के हेडर चेंज हो गए, नहीं करूंगा लेकिन वैसे ही सेव करता हूं ताकि वो इसको प्रमोट कर सकूं। अब आते हैं पावर क्वेरी में, मैं इसको सेव करके बंद करूंगा अदरवाइज रुकेगा भाई फाइल यूज हो रही है अभी भी कहीं ना कहीं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश वो एरर आ गया ना, उसको समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं समझ आ रही कि यार ये तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है बीच में तुमने कहाँ पे भाई टेक्स्ट लिख दिया, तो मैं उसे कहूँगा यार एरर तो है, हो सकता है भाई मुझे टॉप रोज रिमूव करनी पड़े क्योंकि देखिए मेरे यहाँ पे हेडर्स पहले से डिफाइंड है, ना डिफाइन होते तो फिर तो मुझे ये एरर्स ना देता, मतलब हेडर्स डिफाइन है उसको पता है कि भाई ये कॉलम है, तो यहाँ से ये मैं कर सकता हूँ क्वालिटेटिव है वहाँ पे उसने रीड कर लिया है कुछ, हाँ ये ऑलरेडी रीड कर लिया है वरना ये एरर आना नहीं था, मैंने 10 डिलीट किए और अब मैं कहता हूँ फर्स्ट रो एज हेडर करो, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो कुड नॉट कन्वर्ट टू नंबर, समझ रहे हैं, इस तरह करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इमरान सर मेरा क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? जी जी बिल्कुल सर, मैं उसको दोबारा जाता हूँ इसको ठीक कर देता हूँ वरना ये ना मुझे अब लेट्स से मैं ठीक नहीं करता मिसाल ले लें, बड़ा अच्छा आइडिया होगा ना एक नया क्वेश्चन मिल गया हमें, अब ये डेटा आपके पास अब वो एरर ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो आप यहाँ पे पास जाओ, आप यहाँ से ऑप्शन आती है कि यहाँ पे एरर्स भी रिमूव कर सकते हो, वो कैसे, रिप्लेस वैल्यूज, मैं कह रहा हूँ एरर्स के पास जाओ और एरर्स को तुम जीरो से रिप्लेस कर दो या नल से, ना मैजिक, अब मैंने सिर्फ यहाँ किया, मुझे तो सब में करना चाहिए था क्योंकि एरर कहीं भी हो सकता है, मैं पूरी शीट को इकट्ठा उठा, देखिए अब उसने लाइनें खराब हो गई हैं, ये डेटा ये ठीक है यहाँ एरर नहीं है क्योंकि टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट आ रहा था,
तो मैं उसे कह रहा हूँ कि यार हर जगह तुम्हें काम करो, डेटा उठाओ शिफ्ट के साथ, डेटा में तुम रिप्लेस कर दो, वैल्यूज नहीं करनी है हमने, रिप्लेस एरर्स करने हैं ड्रॉप डाउन विद नल। क्यों नल कर रहा हूँ मैं, याद है आपको, ताकि मैं नल के साथ उसको बाय फेंक दूंगा, फिल्टर आउट हो जाएगा इससे, इसको बाय फेंक दूंगा, मतलब ये मेरा पहला स्टेप होना चाहिए था, समझ रहे बात। अभी देखें मेरा डेटा ठीक हो गया, वहां पे जितने मर्जी एरर्स आते रहे खुद ही मेरे एरर्स नल में रिप्लेस हो जाएंगे। दोबारा भी करके दिखाता हूँ आपको। तो जो उसमें एंट्री एक आ भी रही थी वो भी चली जाएगी, पूरी रो ही चली जाएगी। मैं दोबारा वही तो दिखा रहा हूँ आपको, मैं इस पे आता हूँ दोबारा, कुछ मैं इस पर डोंगियां मारता हूँ, मतलब क्या इसको खराब करता हूँ डेटा को। अभी इतने सारे एरर है ना, कॉपी करूँ, मैंने इसको सेव कर दिया, इधर आऊंगा मैं रिफ्रेश दबाऊंगा, अब वो डेटा मेरा ठीक हो गया, मुझे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इमरान साहब क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी सर मिल गया बिल्कुल। 10 में से एक आधा नंबर दे देंगे मुझे? सारे नंबर सर आपके 10/10। जज़ाकअल्लाह जी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आज आपकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे आपका दिमाग खाना है मेरे सर का। दानियल मजा आ रहा है ना, समझ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रहा है। अच्छा एक दो क्वेश्चन है, पता नहीं ये अभी पूछने आपसे चाहिए, बट एनीवेज क्योंकि हम अभी डाटा सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एसएपी से या डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास कुछ फाइल्स आ रही होती हैं और वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आती हैं हर दफा, ठीक है, तो उसको पहले ठीक करना पड़ता है, ठीक करके जब एक दफा हमने उसको एक ऐसी एक्सेप्टेबल कंडीशन में ले आए तो फिर उसके ऊपर एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। तो एक दफा मैंने पावर बीआई को अगर उसको ठीक करके अपलोड कर दिया, नेक्स्ट मंथ को मेरे पास वो दोबारा फाइल आती है तो उसकी हालत वही होती है जो पहले होती है। तो अब अगर मैं उसको डायरेक्टली इम्पोर्ट करता हूँ पावर बीआई में तो क्या वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा या मुझे दोबारा उसको उस शेप में ला के फिर उसको देना पड़ेगा? सर जी इसका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। वो आपने कहा यार मैंने उसको ठीक किया तो अपलोड किया, तो यही तो पहला स्टेप तो गलत है, आपने उसको फाइल ही अपलोड करनी है, सारा ठीक आपने यहाँ पे करना है पावर क्यूरी में। चलिए ठीक है, वो उसको खुद ही वो उसको रीड कर लेगा, वो उसको ठीक कर देगा। जो आप रीड नहीं करोगे तो वो उसको हो सकता है डिटेक्ट कर ले, या एक ऑप्शन आती है डिटेक्ट की। असल में ना एक्सेल में और पावर बीआई में ये टूल्स थोड़े आगे पीछे थे, मुझे ये भूल गया था कि टूल कहाँ पे भरा हुआ है। डिटेक्ट की एक ऑप्शन आती है यार, ये यहाँ पे इसमें सर्च नहीं है, सर्च की ऑप्शन नहीं है, वो एक्सेल में तो फौरन बता देता है, आप डिटेक्ट लिखेंगे ना तो सर्च करके दे देगा आपको। नहीं यार यहाँ पे नहीं मिली मुझे, डिटेक्ट की आती कि भाई डिटेक्ट करो डेटा सोर्स। अच्छा तो इसका मतलब है कि हमने अगर एक दफा एक्सेल के बजाय इसमें डाटा को ठीक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम, चले मैं एक अपनी एक्चुअल केस के ऊपर अप्लाई करके आपको कल इसको फीडबैक। बताने का मकसद ये है कि करना ही यही है वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि भाई करना, देखिए उस पे मैंने अगर एरर्स रिमूव करना तो मैं वहां भी रिमूव कर सकता था, लेकिन वो फाइल मेरे हाथ में ही नहीं है, वो फाइल तो शहर के पास पड़ी है, शहर एंट्री गलत डालती है। अब वो फाइल मैं तो नहीं शहर की फाइल को कंट्रोल कर सकता, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल करके भी दिखाया। अगर ये काम मैंने वहां किया होता तो फिर मैं तंग होता हर दफा, मैं शहर को तंग करता रहता ईमेल पे, फाइल में डेटा ठीक करो डेटा ठीक करो डेटा ठीक करो डेटा ठीक करो एटसेट्रा। ठीक है तो मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो अगर हमने एक दफा फाइल को यहाँ पे सीधा कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब रॉ फाइल आएगी उसको हम डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा सारे। तुम्हें इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रिफ्रेश करना होगा बस, वो खुद ही इंपोर्ट करेगा क्योंकि इंपोर्ट का स्टेप यहाँ पे सेव हुआ हुआ है सोर्स में। फाइल अब देखो सोर्स नहीं चेंज करना, फाइल का नेम नहीं चेंज करना और कॉलम्स के नेम नहीं चेंज करने, ये लिख लो आप लोग। मैंने यहाँ पे एक पेज लिखा भी हुआ पावर क्यू, मतलब एक तो आपने सोर्स नहीं चेंज करना क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि फाइल कहाँ भरी है, सोर्स लोकेशन फाइल का नाम और कॉलम्स के नेम, नया कॉलम ऐड हो जाए। वो फाइल ही नई है, नई एक फाइल है, नई मंथ की फाइल। देखो अगर नई फाइल है तो नई फाइल में अगर तो डेटा भी चेंज है, हेडर्स भी चेंज है, तो दोबारा तुम्हें नहीं है।
नहीं रहेंगे, लेकिन सेम है, मुझे सेल्स का डेटा मिलता है, आज भी मिल रहा है, कल भी मिलना है, परसों भी मिलना है, और हेडिंग वही रहनी है भाई, कितने कमाए, आईडी क्या था, ये क्या था, फिर कोई मसला नहीं, फिर तो ऑटोमेशन नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। नहीं तो फिर इसका मतलब है हमें फाइल को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे ये समझ आ रही है। तो तुम्हारी फाइल ही नहीं है, मतलब एक चीज देखो, डेफिनेटली एक डेटा ही नहीं है, एक उसका स्ट्रक्चर ही हो रहा है, उसकी डायनामिक्स ही फर्क है, वो फाइल डिफरेंट टाइप की है, तो फिर तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। नहीं अगर वो ये कह रहे हैं मुस्तफा साहब कि अगर तो सेम फॉर्मेट पे डाटा है ना, तो फाइल का नेम आपको रोजाना सेल्स रिपोर्ट आगे डेट और मंथ आ जाता है, ठीक है, एवरीडे वो चेंज होता है, नेम चेंज का कोई मसला नहीं, जिसे एक स्टैंडर्ड नेम के ऊपर आपने इंपोर्ट की हुई है ना, आप अपनी फाइल का नाम वही रख करें और उसी जगह पे रख दें, तो सिस्टम नई फाइल को भी रीड कर लेगा। हाँ अगर वो डाटा ही हो रहा है तो वो तो प्रोजेक्ट ही और है ना, फिर अगर उसके कॉलम्स और हैं, इंफॉर्मेशन और टाइप की है, फिर तो वो प्रोजेक्ट ही एक डिफरेंट है। लेकिन अगर सेम इसी पैटर्न के ऊपर डाटा है लेकिन नया डाटा है या एडिशनल डाटा उसके अंदर ऐड हो गया है, तो फिर आपको सिर्फ फाइल नेम सेम करना है और लोकेशन सेम पे रखना है, या पुरानी फाइल को ओवरराइट करवा दें, रिफ्रेश करेंगे तो नया डाटा इंक्रीमेंटल वो भी साथ आ जाएगा और आपका अपडेट होता रहेगा। आपने जस्ट फाइल रखनी है, इधर आके रिफ्रेश करना है, उसी फाइल को अपडेट करना है या नई फाइल बनानी है। मैं जरा एक्चुअली ना इसको ना एक्चुअली आपको बता दो है क्या केस क्या है। मेरे पास ना कस्टम्स का डाटा आ रहा होता है, ठीक है, हर महीने की जितनी भी इंपोर्ट हुई, पूरे पाकिस्तान का कस्टम्स का डाटा जो है फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो उसकी जो फाइल होती है ना वो एक सर्टन फॉर्मेट में आ रही होती है। पहले उसके कुछ कॉलम्स वगैरह हेडर्स सीधे करने पड़ते हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए आपको वो सारी चीज़ें ठीक करने के बाद आप, मतलब प्रीवियस प्रैक्टिस बताऊँ तो आप एक्सेल में फिर उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब अगर ऑल्टरनेटिवली हम उसको, मेरे पास फाइल आई रॉ फाइल, उस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आ गई मेरे पास, मैंने वो अगस्त की फाइल इसमें इंपोर्ट की, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके ऊपर अपना एनालिसिस कंडक्ट किया और काम खत्म हो गया। अब सेप्टेम्बर का महीना गुजर गया, अब मेरे पास एक नई फाइल आएगी सेप्टेम्बर की उसी फॉर्मेट में, जिसको मुझे दोबारा से ठीक, अगर 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 देखो उसी फॉर्मेट में आई है तो हमारे इसी जुमले से मैंने तुम्हें रोक दिया, तो वही फॉर्मेट है ना, वही चीज है, कोई मसला नहीं, एक ही दफा ऑटोमेट करो, फाइल वही है, ठीक है, तो वो सिर्फ रिफ्रेश का बटन, अच्छा ठीक है, रिफ्रेश का बटन दबाएंगे वो खुद ही से पकड़ लेगा कि ये इसमें पहले गलतियां थी, मैं पहले इसको ठीक कर देता हूं और अब आप इसका एनालिसिस कर लो, एग्जैक्टली, ठीक है, सही है, फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा फॉर्मेट में, फिर बाकी अगर उसमें नया डाटा ऐड करें तो वो टेबल के साथ पूरी सिंक्रोनाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम वो उस फाइल में जब नए मंथ का डाटा आएगा उसी फॉर्मेट में उन्हीं कॉलम्स की अलाइनमेंट में, तो वो जब पावर अब देखो ना, आपके पास सिर्फ डेट आई थी, आपने महीना भी निकाल, मैं निकाल के दिखाता हूं कुछ चीजें, आगे चलें थोड़ा सा, 10 मिनट है, मैंने कुछ और सिखाना है। जी जी सिखाएं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप कहते हो कि यार मेरा डेट का कॉलम बिगड़ गया, डिलीट कर दिया मैंने। अब देखें मजे की बात, मंथ डेट और ईयर मेरी लहदा, मतलब डिलीट होगी ना, किस्म की लहदा होगी। अब मैं तीनों को कंबाइन करता हूँ, एक डेट का कॉलम बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, मुझे कॉलम्स को मर्ज करना है, ऐसे ही बॉस, मुझे तीनों कॉलम्स को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैं इन तीन कॉलम्स को इकट्ठा करता हूँ। सबसे पहले लेट से आप कहते हैं कि मुझ पर डेट होनी चाहिए, मैं डेट को पहले कर देता हूँ, डेट शिफ्ट के साथ दिस और दिस, यहाँ पे एक मर्ज कॉलम्स की ऑप्शन आ रही है। क्यों, ये भी हो सकता था कि आपको इस फॉर्म में डेटा मिले, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ मैं वापस करूँ, मैं इस फॉर्म में आया हूँ, मैं कहता हूँ कि यार सेपरेटर लगा दो, कॉलन सेमी कॉलन स्पेस कोई भी लगा लो, आप लेट से कोमा लगा लो, मर्ज कर दो, इसका नाम रख लो डेट, न्यू डेट कह लो या अपडेटेड डेट कह लो। ये देखिए मेरी अपडेटेड डेट आ गई, वो तीनों कॉलम मर्ज हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं मुस्तफा यार ये तो फॉर्मेट कहीं होता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं होता तो मसला ही नहीं है, इसको एडिट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे गियर बना हुआ है ये क्यूरी एडिट हो सकती है, मैं इसको एडिट करूंगा, उसे कहूंगा यार कॉमा नहीं, टू इक्वल का साइन डाल दो भाई। अब ये स्पेस भी आ गई आपको, अगर मुस्तफा साहब क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी ठीक नहीं है, तो मैं गियर के पास जाऊँगा, गियर का मतलब ये गरारी छेदूंगा इसकी, उसे कहूंगा यार डैश डालो, अब मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, मैं इधर जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं।
अब मतलब ये मकसद क्या है कि एक स्पेसिफिक चीज में मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पहले डेट है फिर मंथ है फिर ईयर है। हालांकि जब मेरे पास डेट आई थी पहले उसमें मंथ लिखा हुआ था, हमारे पाकिस्तान में पहले मंथ नहीं होता, तो मुझे इसको ठीक करना है। तो मैं काम करता हूँ यार इसको डैश ही कर देता हूँ ताकि जिंदगी तो आसान है सबकी। अब ये मैंने डेट का कॉलम बना दिया और अपडेटेड डेट बन गया, एबीसी है। अब मजे की बात है इसको मैं कुछ भी कर लूँ ये मुझे कोई एनालिसिस नहीं देगी, महीने का डे का मंथ का टाइम वेस्ट, मुझे इसको कन्वर्ट करके डेट में कन्वर्ट करना है। वेर इट इज दिस वन, फिर मसला आ गया। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक सेकंड। अब दोस्तों एक नए से नया मसला मैं क्रिएट करता जा रहा हूं आप लोगों के लिए। हुआ क्या हुआ ये कि वो अज्यूम ये कर रहा है कि भाई पहले वाला कॉलम आपका मंथ होता है, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो यहाँ पहले वाला कॉलम वो आ रहा है 25 आ रहा है, डेट आ रही है, तो मुझे उसको ये बताना है कि मेरा डेट क्या है, मेरा मंथ क्या है। इसे कहते हैं कस्टमाइज्ड चेंज करना, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अगर मैं इसको मर्ज करूं दोबारा, मैं रीऑर्डर नहीं करता, मैं इसी तरह मर्ज कर लेता हूँ, मैं आपको एरर्स भी दिखा रहा हूँ और एरर्स को सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ, और अगर सॉल्व नहीं करना तो आपको पता हो कि एरर आ क्यों रहा है, मैं फिर इनको मर्ज करता हूँ। इस दफा मैं कहता हूँ भाई टैब डैश मर्ज करो अपडेटेड डेट। इमरान साहब समझ आ रही है ना? जी बिल्कुल सर आ रही है। ये आ गया, अभी पहला मेरा मंथ है फिर डेट है फिर ईयर है, तो मैं उसे कहता हूँ यार तू काम कर इसको डेट में कन्वर्ट कर दे। शुक्र है उसने मेरी बात मान ली, उसने कैलेंडर दे दिया। अब आपको कहोगे मुस्तफा यार ये मसला मेरा सॉल्व होना चाहिए, मुझे तो पहले डेट चाहिए, इसी के लिए तो मैंने इतनी सारी मेहनत की थी यहाँ पे। ये देखे यहाँ पे ये तो मेरे पास पहले भी था, देखें वो बैक एंड पे जा रहा है वो एरर है, यहाँ पे सारा कुछ मसला खत्म हो गया। अब मुझे मसला ये है कि यार इसको चेंज करना है, इसको भी होल्ड कर लो। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूँ ये हो जाता है कैसे, जब हम इसकी कस्टमाइज जिसकी करते हैं ना वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये डेटा लोड हो गया, ये मेरे पास उस पर डेट का कॉलम आ गया। उस चीज को फिलहाल अभी मैं होल्ड करवाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एडवांस टूल है, बल्कि अभी बता देता हूँ आपको। आप डेट वाले कॉलम में आए अपडेटेड डेट, अब डेट का मुझे फॉर्मेट चेंज करना है बेसिकली। ये देखें ये फॉर्मेट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यार इसका फॉर्मेट चेंज करो, तुम पहले तुमने डे लिखना है फिर तुमने मंथ लिखना है, डेट ही है इसको चेंज करो। कस्टम कॉलम पहले तुम करो डे, मतलब मुझे ये वाला उठाओ, इसमें पहले डे होना चाहिए, कस्टम में जाके कस्टम दिस वन, पहले मैं कह रहा हूँ भाई तुम दे दो मुझे ये वाला, अब वो मेरी मर्जी से मुझे फॉर्मेट करके देगा, है ना मजे की चीज। तो आपको दिखाऊं पहले वो डे देगा, लास्ट में देखें पहले उसने डेट दे दी। अब देखें डिस्क्रिप्टिव कितना है, जून भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। वहां मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई दूसरे मुल्कों वालों को समझ नहीं आएगी कि भाई मैं किस पे काम कर रहा हूँ, तो आप इस तरह काम कर लो, आसान हो गया मेरे पास डेटा पे काम करना। मैंने फॉर्मेटिंग करती उसकी और ये फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से एडवांस फॉर्मेटिंग की। चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं दोस्तों, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, ये कर लोगे ना तो ज़िंदगी आप लोगों की तबाही बन जाएगी। अब मैं इस पर भी डैश डाल देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस नहीं, मुझे डैश चाहिए। चीज़ें मैंने इमरान साहब से ही सीखी हैं। इमरान साहब ये देखिए अपडेट हो गया, जी सर ये अपडेट हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नहीं। दानियल ने तो कह दिया, दानियल अभी तक समझ आ रही है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं समझ आ रही है, बस एक दफा जब जरा हैंड ऑन करके दिखेंगे ना तो चीजें तभी समझ में आती है सही। तो एक जरा आप मुझे वो भी करके दिखा दीजिएगा जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया था ना, वो के ये जो नई फाइल आती है कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आप दिखा दें कि नया डाटा कैसे रिफ्रेश होके पूरा जो ये सिनेरियो मैंने आपको अभी दिखाया था अपने इस डेटा पे काम करके, वो जो आप डेटा कह रहे हैं ना उस पे गो थ्रू करना पड़ेगा पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के साथ। हम वो कर सकते हैं, थोड़ा सा जरा आगे चलेंगे अगर आप नाराज ना हो, क्योंकि वो एक डिफरेंट हमारी वो बन जाएगी, मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन आदि किया हमने। क्या कहते हैं
ठीक है, आगे चलें 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 आगे चलें। और सर आपको कोई क्वेश्चन? मुझे ये नहीं कहना कि अभी तो हमने प्रैक्टिस करनी है तो फिर समझ आएगी, वो तो आपने करनी करनी है, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, समझ आ रही है? जी जी आ रही है। इमरान साहब आपसे समझ नहीं, आप मुझे मेरे बारे में बताएं कि भाई मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। सर आप समझा रहे हैं तभी समझ आ रही है, मतलब कुछ चीजें बेहतर मतलब अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर। कोई क्वेश्चन आपका, मेरा कोई टेस्ट लेना चाहे कि यार तूने ये नहीं सही बताया, ये ऐसा? नहीं नहीं सर बिल्कुल, ये एक्चुअली वो है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स में जस्ट नेविगेशन में अभी प्रॉब्लम आएगी सब लोगों को कि कोई के लिए जब आपने कोई भी चीज़ करनी है तो कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंडर किस सब वो ड्रॉप डाउन के अंडर कहीं आ रहा है। ये कि मेरी रिकॉर्डिंग्स अभी देखेंगे ना तो इस पे काम करेंगे, वीकेंड से जाया ना करना दोस्तों, वो इमरान साहब वाली बात की ये नहीं सम, आज ये करोगे तो कल वाली ट्रांसफॉर्मेशन आसान लगेगी। कल मैं आके 15-15 मिनट आप लोगों को टेस्ट भी लेंगे छोटा सा। आमिर साहब आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, मजा आया आज नहीं। तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एज पर टाइमलाइन आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं मैं लेना चाहूंगा। अब इस पे डेट वाले कॉलम में कुछ और पंगे लेते हैं। अब आप कहते हैं कि मुस्तफा यार मेरे पर डेट तो बन गई है, मुझे ना इसको सेपरेट करना है, ये यहाँ पे आप आए ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम में आऊंगा तो ये नए मेरे लिए कॉलम्स ऐड करेगा। मैं कहता हूँ मुझे ईयर सेपरेट कर दो, उसने ईयर सेपरेट कर दिया। मैं कहता हूँ इसमें से तुम मुझे मंथ भी सेपरेट कर दो, नेम ऑफ मंथ, उसने देखो मेरे लिए नेम ऑफ मंथ भी सेपरेट कर दिया, जून वगैरह। फिर मैं कहता हूँ यार इसी कॉलम से तुम मुझे मंथ का वो भी बताओ, मंथ भी बताओ, तो उसने मंथ मुझे नंबर्स में भी बता दिया। फिर मैं कहता हूँ यार इस कॉलम से मुझे आप क्वार्टर भी बताओ, क्वार्टर ऑफ द ईयर। इसमें मल्टीपल फील्ड्स आप निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी को क्या चीजें चाहिए। वीक भी चाहिए मुझे, वीक ऑफ द, सॉरी वीक यहाँ पे आते हैं ना, वीक ऑफ द ईयर, ये मेरे पास वीक ऑफ द ईयर आ गया। मतलब हो सकता है भाई आपको वीक वाइज डेटा समराइज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इमरान साहब समझ आ रही ना मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैंने ईयर निकाला, नए नए कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ब्रेक कर सकूँ, फिर मैं डे भी, और इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। दिस वन मल्टीपल फील्ड्स, उसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, और ये हमारी सारे स्टेप्स लॉक हो रहे हैं। रीनेम करने हैं रीनेम कर दो और इसको क्लोज करके अप्लाई कर दो। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको फाइल भेजी है पावर पॉइंट की, इसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अपलोड किया अभी सिर्फ पावर क्यूरी तक, कल फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे ताकि हम जो जो मैंने इसमें मेंशन किया है वो हम एक्सप्लेन करके स्टडी भी कर सकें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? जी जी ये मेरे पास सारी डेटा, इसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस, वहां से डेटा आया, मेरे पास एक वेयर हाउस बना हुआ जिसमें मैं डेटा को रखा, फिर मैं मर्जी के एनालिसिस कर रहा हूँ। अब इस डेटा को जो हमने रिफाइन कर लिया है पावर क्वेरी में आने, जो कि मान पास एक हमारा जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने डेटा को मॉडिफाई कर लिया, अब इस डेटा को अगर हम एक्सट्रैक्ट करके अलहदा से कहीं उसी किसी शेप में, यानी जिस शेप में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया उस शेप में हम एक्सेल में लेके जाया जाए। जी जी ये पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है। अच्छा ये मुझे बताएं, ये तो मैंने अभी देखा उमर साहब भी इधर ही है, उमर साहब, उमर इकबाल साहब? जी सर, जी सर। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया है और काफी
जो है वो एक एक सीक्वेंस एक एक जो है वो अच्छा सीक्वेंस से लेके चले हैं, जिससे जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो ज्यादा बेहतर हो गया। आपने आपने ज्वाइन कब किया था उमर भाई? सर मैंने किया था कोई मेरे ख्याल 35-40 मिनट पे किया था, 40-45 मिनट पे स्टार्ट हुई। तो मैंने तो एक लर्निंग है मेरे लिए, मुझे आईडिया नहीं था कि आप लोग भी बैठे हुए हैं। सर आप चले, इट्स माय बैड, थोड़ा सा आ रहे थे। अच्छा तो सीक्वेंस बेहतर था। जी जी उमर भाई। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करवाया सर। मैं उमर भाई का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये मेरे सीनियर भी हैं और ये भी मेरे कहते ना मोहसिन में से हैं, जैसे इमरान साहब हैं, आमिर साहब हैं, तो इनसे माशाल्लाह मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ डिटेल के बारे में। तो थैंक यू सो मच उमर भाई, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया और इसमें मैंने कोशिश किया जो एक्सप्लेन करने की वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सर थैंक यू वेरी मच सर, हम आपसे सीखते हैं सर। बटी साहब नहीं सर, क्वेश्चन तो अभी हैं थोड़े से, लेकिन मुझे जो अभी तक समझ आई जो उसको देखा मैंने वो ये कि आपने कितने बजे ज्वाइन किया था? मैंने तकरीबन की 10 बजे के, 10:15 के करीब। एक्चुअली मैं समझता था शायद रात की क्लास है। आपने मुझे आइडिया कि आपकी तो पेनल्टी पड़ेगी आपको भी। और दानियल आपने कितने बजे किया था? आप तीनों में बल्कि पेनल्टी बनती है, उमर पे, कैसर पे और दानियल पे। दानियल आपने कितने बजे ज्वाइन किया था? मैंने तो स्टार्ट में तो 9:30 का बैठा हुआ था, लेकिन रूम दूसरा सर, दूसरा दानियल, एक और दानियल है हमारे पास। अच्छा वो नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, दूसरे दानियल नहीं है। चले सर, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन आ गया। उमर भाई आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि मैंने आपको उतना एंटरटेन नहीं किया पूरे सेशन में, बल्कि किया ही नहीं। उमर भाई नहीं सर, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। असल में सब लोग जितने भी लोग हैं, हाँ जी आवाज आ रही है सर? जी जी मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन है? हेलो, अच्छा जितने भी लोग लाए हो। जी जी सर जी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ शायद थोड़ा सिग्नल के इशू है, लेकिन नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी कुछ चीजें खुद हाथ से करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। डेफिनेटली। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह हम इसी पेज से चलेंगे कल 9:30 AM टुमारो। तो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही भेज दूँ। सेकेंड ये है कि पावर पॉइंट्स मैंने आपको भेज दी है और इंशाल्लाह इसी पेज में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मुस्तफा मुझे बताइएगा, हमने कोई किसी डेटा सेट पे प्रैक्टिस करनी है या किस तरह से? मैं डेटा सेट भी आपको भेजता हूँ। मैं उसी जो हमारा ना डेटा सेट जो पावर बी लर्निंग वाला ना, अभी मैं आपको वहीं से लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको बड़े डेटा सेट्स पे नहीं लेके आया, मकसद सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाना है क्या, जिस कॉन्सेप्ट से आप इसको लेके चल सकते। मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, मैं वो फाइल भी आपको भेज दूँ, ताकि फिर आपको खुदा हाफिज़ कहें। मैंने वो फाइल भी भेज दी आपको और वो सारी पावर बीआई की वो सारी चीज़ें, पावर पीआई की सारी जो इसकी मतलब पावर पॉइंट भी भेज दिया। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं जैसी आती है तो मैं भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, ओके ऑफिस, ओके थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना सब। लव यू। Sir, thank you very much. Allah Hafiz.